हेलो अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन चलो फटाफट जुड़ जाइए सेशन में सब लोगों का स्वागत है वेलकम एवरीवन सेकंड चीज मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो लिख दो सर वॉइस क्लियर है चलो फटाफट जुड़िए सेशन को एक बार शेयर करो ताकि एक बहुत धमाकेदार सेशन एक टोटली नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज जिसका आप लोग काफी डेज से वेट कर रहे हो बराबर उसी को स्टार्ट करने जा रहे चलो ओके ओके बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड चलो सबसे पहले तो मैं हेमंत शाह आप सब लोगों का Bank exams की इस चैनल के हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां पर अभी राइट नाउ एज मैथ्स एजुकेटर मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और लास्ट सात साल से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो जो भी रिक्रूटमेंट आता है उसके लिए जो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ली जाती है बैंक एस रेलवे तो उसके अंदर ऐसा मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ सेकेंड चीज अन की ओर से अभी रिसेंटली थर्ड ऑफ मार्च के दिन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू अभी बहुत सारे टॉप बैचेस को लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको मिलता है बहुत बहुत फायदे सबसे पहला तो आपको यहाँ पर देखो ये प्लेटफॉर्म पे एडवांटेज मिलता है कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर की लाइव क्लासेस है कर at कर सकते हो. सबसे पहला तो आपके सामने देखो ये जो batches launch हुए हैं उसके advantage की बात कर रहा हूं। साथ में यहां पर आपको पूरा study material होता है वो PDF के form में as a study material मिल जाएगा. पूरा आपका जो कोर्स होगा वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बाइलैंग कंडक्ट होता है और आपको जो भी नोट्स होगी वो इंग्लिश के अंदर मिल जाएगी साथ में आप लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अनलिमिटेड अनलिमिटेड के साथ अनलिमिटेड मॉक अनिमिटेडल प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी आपको पे मिल जाती है साथ में ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखोगे तो बीस हजार से भी ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन फोर्टी थाउजेंड आर्स से भी ज्यादा रिकॉर्डेड कंटेंट इतनी सारी चीजें इतनी सारी चीजें आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है दिस इज द रीजन इट इज ट्रस्टेड बाय ओवर 98 परसेंट बैंक एस्पायरेंट इसीलिए आज अन है वो 98 परसेंट बैंक एस्पायरेंट्स का भरोसा बन चुकी है हियर इज द ग्लिम्स ऑफ वेरियस बैचेस विच हैव बीन लॉन्च्ड ऑन थर्ड ऑफ मार्च यहाँ पर आपको दिख रहे इतने सारे बैचेस को अभी रिसेंटली 2021 के अंदर जो जो भी बैंक एग्जाम्स आने वाली है तो उसको देखते हुए बहुत सारे बैचेस को लॉन्च किया है बराबर तो ये सारे बैचेस आप यहाँ पर देख सकते हो हाँ अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे इसके ऊपर जुड़ना है तो देखो सिंपल सा प्लान है कि अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू जो अभी रिसेंटली टॉप बैचेस को लॉन्च हुए उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास देखो ये सिंपल प्लान से सब्सक्रिप्शन के प्लान है जिसमें एक महीने का प्लान है तीन महीने का प्लान छह महीने का प्लान बारह महीने का प्लान और चौबीस महीने का प्लान है और ऊपर से फायदा यह है कि इसमें से आप कोई भी प्लान के लिए जाते हो तो नीचे एक रेफरल कोड आएगा तो ये मेरा रेफरल कोड यूज कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर और मैक्सिमम डिस्काउंट मैक्सिमम आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा यानी कि अगर मानो आप एक साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो छह हजार पांच सौ के तो इस पे और आपको दस परसेंट का डिस्काउंट साढ़े छह सौ रुपया माइनस कर दो पांच हजार आठ सौ पचास रुपये में बारह महीना मंथली तो आप मंथली एवरेज निकालोगे ना तो पांच सौ रुपये से भी कम का एवरेज बराबर और इतनी कम फीस के अंदर आपको घर पे बैठे बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने का बेहतरीन चांस मिलता है दिस इज द रीजन आज इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है बराबर तो इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तब प्लीज डू नॉट फॉरगेट ये मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा जहां पर आपको और और का डिस्काउंट मिल जाएगा और एक बार आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते थे हो तो उसके बाद देखो पूरे साल में जो जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के नए नए बैच लॉन्च होते डन वो हर एक बैच की आप लाइव क्लासेस से अटेंड कर सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अभी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो ये महीने के मैं लाइव बैचेस को अटेंड कर सकता हूँ नहीं पूरे साल में जितने भी लाइव बैचेस आपके लॉन्च होते हैं हर एक बैच का आप हिस्सा बन सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी सारी चीजें अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे बैंक के साथ एस रेलवे की भी प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर भी आपके पास देखो साल दो के कॉम्बो ऑफर चल रहे और इसमें भी आप लोग ये मेरा रेफरल कोड एच लगाते हो तो और आपको दस का डिस्काउंट मिल जाता है सेकेंड चीज एवरी संडे अनअकैडमी के ऊपर इंडिया का सबसे बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अरेंज होता है तो ये टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारी स्कॉलरशिप जीतने का मौका बराबर तो एवरी संडे फिक्स कर दो टाइम मॉर्निंग में 10 बजे आपको जुड़ जाना है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर या तो आपको पता है वेब उसकी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर बराबर लेकिन वो टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको ये कोड लगा देना है एच के एस टेन जिसके थ्रू आप वो टेस्ट में आराम से एनरोल कर सकते हो ओके चलो तो लेट्स इट वही उम्मीद के साथ सेशन को शुरू करने जा रहे हैं सब लोग बिल्कुल रेडी है चलो फटाफट सबको अगेन मेरी ओर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून चलो फटाफट फटाफट जुड़ जाइए सब लोग लोग वेरी वेरी गुड गुड बिल्कुल एक्टिवली सारे जुड़े हैं बराबर चलो प्रवीण अरुण दिनल कार्तिक बहुत बढ़िया रचना सायदा मीरा चलो वेरी गुड वेरी गुड सब लोगों को अगेन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सबका स्वागत है सेशन के अंदर <laughs> बराबर आई होप आप लोगों ने अभी तक मैंने जो भी तीन तीन चैप्टर्स पढ़ाए पढ़ाए से चार चैप्टर उसको बहुत अच्छे लेवल पे देख लिए होंगे सुन लेना अभी तक मैं बात करता एरिथमेटिक के चैप्टर्स की जो बच्चा नया जुड़ा है उनको मैं बता देता हूँ पूरे एरिथमेटिक के चैप्टर्स यहां में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके अंदर अभी देखो मैंने ये यूट्यूब चैनल के ऊपर एक रेशियो एंड प्रपोजन खत्म किया है आप देख लेना बहुत आराम से दूसरा एक चैप्टर उसके बाद जो बनेगा वो बेस एजिस को मैंने खत्म किया है और तीसरा जो चैप्टर अभी हमने रिसेंटली खत्म किया था वो है पार्टनरशिप बराबर तो ये हाँ। उसके बाद चौथा चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे वो है चैप्टर का नाम है एवरेज ओके okay? तो आप देख रहे हो धीरे 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 एक एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छे और आपको पता है जो बच्चे पहली बार जुड़े उनको नहीं पता होगा लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को लेके जा रहा हूँ बराबर खाली दो दो तीन तीन चैप्टर तीन तीन दो दो तीन तीन सेशन में चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर रहे बराबर हर एक चैप्टर के अंदर मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में सोल्व करवा रहा हूँ फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल जिसके अंदर हम लोग लेवल की एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को भी टारगेट कर रहे हैं डन तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर एरिथमेटिक के चैप्टर्स को मुझे ऐसे पढ़ना है तो वो डेली दोपहर में जुड़ जाइएगा एक बजे और एक भी सेशन आपको छोड़ना नहीं है डन सेकेंड चीज एक और सेशन देखो आज इवनिंग के अंदर मैंने अरेंज किया है स्पेशली सुन लेना सब लोगों को ये इवनिंग के सेशन में जुड़ जाना है रात को नौ बजे जहां पर हम बात करेंगे साल 2021 के अंदर जो बैंक एग्जाम्स आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैंने सेशन रखा है आज बराबर हा जहां पर यू कैन आस्क मी एनीथिंग आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो सुन लेना ऐसा मैं एक स्पेशल सेशन रखा है जहां पर हम हमारे मन की बात करेंगे बराबर तो ये सेशन में बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा इवनिंग में नौ बजे का टाइम है टाइम नोट कर लेना एक बार बराबर हाँ चलो वेरी गुड वेरी गुड तो ये सेशन कहां चलेगा तो वो मैं बता देता हूं ये मेरी स्पेशल फ्री लाइव क्लास है सुन लेना स्पेशल फ्री लाइव क्लास है डन हाँ ये स्पेशल फ्री लाइव क्लास है कहाँ चलेगा तो अनएकेडमी की एप्लीकेशन पे चलेगा तो आप हर बच्चा उसमें जुड़ सकता है ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है बस आपके मोबाइल के अंदर अनएकेडमी एप्लीकेशन होना जरूरी है ओके चलो बहुत बड़िया, बहुत बड़िया, <laughs> चलो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वेरी गुड मनदीप जी स्वागत है हर्ष वेरी गुड सेकेंड चीज अनएकेडमी पे एक बार मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर देना एक बार है ना चलो तो अब शुरू करने जा रहे हमारा सो आज का एवरेज जिसका आप लोग कभी के वेट कर रहे हो बराबर चलो अब देखो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं चैप्टर के इम्पोर्टेंस से शुरुआत करते हैं कि सर चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है बराबर चलो तो देखो मैं इंपोर्टेंस की बात करता हूं तो जनरली अगर हम लोग कोई भी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो चैप्टर से देखो अगर आप चाहे प्री एग्जाम को टारगेट कर लेते हो या तो चाहे मेन्स एग्जाम को टारगेट कर लेते हो जनरली चैप्टर से एकाध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है चाहे आपको एरिथमेटिक के एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले या तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आप लोगों को देखो अभी मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं डेटा इंटरप्रिटेशन का महासंग्राम बराबर तो ये टॉपिक के अंदर भी आपको पता चल रहा होगा कि कभी कभी बीच में पांच में से एकाध क्वेश्चन है वो एवरेज का पूछ लेते हैं सो so, वैसे टॉपिक बहुत बहुत आसान है एकदम आसान टॉपिक है लेकिन बस हम उसको एक अच्छे लेवल पे समझेंगे और लेके चलेंगे एडवांस लेवल तक कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन से बन सकते वो सब आप मेरे पे छोड़ दो बस उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो बराबर तो जनरली टॉपिक का जो वेटेज है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो जनरली क्वेश्चन आप लोग अपनी प्री एज वेल एज मेन्स एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे चाहे वो चाहे वो पीओ का एग्जाम हो चाहे वो क्लेरिकल का एग्जाम हो या तो मानो चाहे आप कोई भी एस रेलवे की तैयारी कर रहे हो एक आध क्वेश्चन तो चैप्टर से बनता ही बनता है और बहुत बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ओके चलो वेरी गुड तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया सर ये चैप्टर का वेटेज क्या होता है अब बारी आती है नेक्स्ट के अंदर सुनिएगा कि सर ये एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी वाई वी नीड द एवरेज एवरेज की जरूरत क्या है तो देखो बहुत सीधा सा लॉजिक है कि देखो एवरेज की हमें जरूरत कब पड़ती है जब आपके पास जब आप क्या करना चाहते हो चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो देखिएगा यानी जब भी कोई चीज को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ती है यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं यानी मानो कि आपके पास कोई आर्टिकल से कोई आइटम से अब आप चाहते हो कि ये मेरे पास जो आर्टिकल है मेरे पास ये जो आइटम से उसको मुझे लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करना है सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कभी भी कंसेप्ट आता है वहां पर हम लोग जनरली क्या करते हैं एवरेज को याद करते हैं सो बेसिकली एवरेज वाई वी आर यूजिंग द एवरेज तो एवरेज हम किसके लिए यूज करते हैं चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं देखिएगा बहुत आसान सा कंसेप्ट है जैसे मानो हम बात करते देखो मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको देता हूँ चलो इधर देखो आप समझ जाओगे कि सर एवरेज का मतलब क्या होना हम हमारी डे टू डे लाइफ में डेली एवरेज का यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि मैं एवरेज एवरेज का यूज कर रहा हूँ जैसे मानो कि चलो आप मानो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल ने कभी एक दिन सोचा कि भाई हम लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है इधर देखो बराबर अब आप लोग देखो मानो के दस फ्रेंड लोग है वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और मानो के खाना खाने के बाद आपका बिल बना है चार हजार रुपये का बिल बना तो इसका मतलब है देखो भाई किसी का पार्टी है नहीं सब लोगों ने क्या सोचा सब लोगों ने वही सोचा है कि भाई सब लोग मिलके खाना खाने जाएंगे और जो भी पैसा आएगा उसको हम इक्वल हिस्सों में बांट लेंगे तो अब आप यहाँ पर समझो कि रेस्टोरेंट के अंदर आप दस लोग मिलके खाना खाने जाते हो और खाना खाने के बाद अगर आपका टोटल बिल चार हजार रुपये का बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो जब पैसा देने की बारी आएगी तब क्या करना पड़ेगा हर बंदे से अपने को चार सौ चार सौ रुपया लेना पड़ेगा तो आप ऐसा बोलोगे देखो अगर आप लोगों को बताना है तो ऐसा बोलेंगे कि भाई हम दस लोग खाना खाने गए हमारा बिल चार हजार रुपया आया इसका मतलब क्या हुआ चार सौ रुपया पर हेड अपना कॉस्ट आया तो ये जो पर हेड कॉस्ट होता है ना मेरी बात आपको समझ में आ रहा पर हेड का जो कॉस्ट होता है उसी को हम लोग जनरली एवरेज बोलते हैं ना तो यहां पर हुआ क्या चार हजार रुपयों को देखो मैं इक्वली दस लोगों के बीच में बांट रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आया तो ये जो पर हेड का कॉस्टिंग होता है उसी को हम जनरली एवरेज बोलते हैं देखो हम डेली यूज करते हैं चीजें डेली यूज कर रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम एवरेज ढूंढ रहे हैं समझ में आने मेरी बात देखो बहुत रूट लेवल से समझा रहा हूँ टॉपिक हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हैं ऐसा भी नहीं है चलो ये तो रेस्टोरेंट की बात हो गई मानो चलो आप लोग फ्रेंड लोग चलो कि कि इस बार सोचते हैं भाई बहुत गर्मी की सीजन चल रही है मानो चलो गोवा घूम के आते मानो पांच लोगों ने क्या किया गोवा घूमने का प्लान बनाया और मानो कि वो घूम के आए और पांच लोगों ने गोवा घूमने का टोटल खर्चा मानो की साठ हजार रुपया पांच लोगों का टोटल खर्चा हुआ अब सीधा हिसाब है किसी का पार्टी तो है नहीं कि एक इंसान साठ हजार साठ हजार देगा तो वो लो क्या तो लोग क्या करेंगे तो पांच लोग हैं वो गोवा घूमने गए और उनका टोटल खर्चा पांचों लोगों का मिला के साठ हजार रुपया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि साठ हजार को मैं पांच से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बारह हजार रुपया पर हेड यानी एक बंदे का गोवा घूम के आने का जो खर्च आया वो कितना आया होगा बारह हजार रुपया आया होगा मेरी बात आपको समझ में आए तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं टोटल कॉस्ट को पांच लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आती है जब भी हम चीजों को इक्वली डिवाइड करते हैं ना तब हमें जो वैल्यू मिलता है ना उसी को ऑलवेज एवरेज बोला जाता है समझ में आया तो यहां पर आपको देखो समझ में आ रहा है ये मैंने 400 निकाला ये मैंने 12000 निकाला तो ये अपना क्या है दिस इज नथिंग दिस इसी को बोला जाता है एवरेज सीधा सा हिसाब एवरेज का मतलब वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट एक की वैल्यू मेरी बात आपको समझ में आ रहा कोई भी एक यूनिट थिंग ले लो या तो यूनिक पर्सन ले लो कोई भी एक पर्सन का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग जनरली एवरेज बोलते हैं समझ में आ रही मेरी बात जैसे मानो हम लोग देखो क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां पर हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि भाई बैटिंग एवरेज तो देखो बैटिंग एवरेज का मतलब यहां पर क्या है तो देखो बैटिंग एवरेज से हमें क्या पता चलता है हम ऐसे बोलते हैं कि भाई देखो विराट कोहली है उसकी बैटिंग एवरेज है वो कितनी है? मानो ऐसा बोले फिफ्टी रन पर मैच है तो इसका मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूं पर मैच है वो विराट कोहली पचास रन बनाता होगा ऐसा हम सोच सकते आपको बात समझ में आ रही यानी पर मैच इक्वली विराट कोहली ने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी रन बनाए होंगे उसको मैं इक्वली उसने जितनी भी मैच खेली है उसके बीच में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई विराट कोहली की बैटिंग एवरेज कितनी है यानी वो पर मैच में कितना रन बनाता है मेरी बात आपको समझ में आ रही तो बैटिंग एवरेज का मतलब ही होता है पर मैच कितने रन बनाना समझ में आ रही मेरी बात तो ये जो पचास रन पर मैच है तो इसी को बोला जाता है विराट कोहली की बैटिंग एवरेज मेरी बात आपको समझ में आ रही है डन है तो ये हो गया हमारा सिंपल फंडा कि सर एवरेज तो एवरेज हम यहां पर ढूंढेंगे जहां पर चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है ओके okay, क्लियर चलो तो पहले देखो आपको एवरेज क्या होता है वाई वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज वो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे एकदम सिंपल शॉर्ट एंड प्रिसाइज तरीके से समझा दिया अब बारी चलती है नेक्स्ट के अंदर कि सर एवरेज कैसे ढूंढेंगे एवरेज क्या होता है तो अगर देखो मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो बुक्स के अंदर ऐसी डेफिनेशन देती होती है कि एवरेज कैसे मिलेगा वेन ऑल देखिएगा समेशन ऑफ़ ऑल बराबर समझिएगा बहुत आसान है वेन द समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी हम क्या करेंगे हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको क्या करेंगे उसका जो सम होगा ना उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे इन दैट सिचुएशन हमें क्या मिलता है देन वी विल गेट द एवरेज है तो एवरेज इज डिफाइंड एज अगर मुझे एवरेज का डेफिनेशन देना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरेज इज डिफाइंड एज अ समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी बात आपको समझ में आ गई है जैसे मानो देखो इसको अगर मुझे लिखना है तो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा तो ऐसा होगा कि एवरेज इज इक्वल टू ऊपर बनेगा क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आपके पास जितने भी नंबर से आपके पास जितने भी लोग है धन है उन सबका ऊपर आएगा टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नीचे बनेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने ऑब्जर्वेशन का आपने सम किया है दिस इज़ द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज और यहीं से देखो एवरेज को डिफाइन किया जाता है क्या ये एवरेज इज डिफाइंड एज अ समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेश्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेश तो बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशन है आपको ये समझ में आ गया कि सर ये एवरेज वगैरह क्या होता है सबको आ रहा है बस हम कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे धन चलो अब बारी आती है नेक्स्ट के अंदर सर एवरेज तो ध्यान रखिएगा देखो कभी-कभी एवरेज है ना उसको दूसरा नाम ऐसा भी बोला जाता है कि एवरेज की जगह कभी-कभी एग्जाम में ऐसा भी वर्ड आएगा ध्यान रखिएगा अरिथमेटिक मीन बराबर ध्यान रखिएगा तो अरिथमेटिक मीन का मतलब भी एवरेज ही होता है या तो इसको हिंदी में बोला जाता है औसत बराबर औसत भी आप लोग इसको बोल सकते हो सो एवरेज बोलो एरिथमेटिक मीन बोलो औसत बोलो ये सबका मतलब कैसा होता है सेम होता चलो क्लियर है डन है, है, चलो फटाफट लिखो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सर तक की बात क्लियर तो फिर हम अगले नेक्स्ट की और आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी लिखिएगा फटाफट बराबर बहुत रूट लेवल से उठा रहा हूं और उसके पीछे का रीजन है मैं वही समझ रहा हूं कि हम लोग ये चैप्टर को पहली बार ही पढ़ रहे ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड सब लोग बिल्कुल अच्छे लेवल पे समझ रहे अब बारी आती है कि कि सर सर करने करने के के क्या क्या होते होते हैं हैं बराबर चलो बहुत बढ़िया तो देखो जनरली एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए दो अप्रोच है तो पहला अप्रोच है वो है फॉर्मूला मेथड कि आप क्या करो हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाते जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा एवरेज ढूंढने का पहला सा मेथड है चलो अब आप बोलोगे सर कैसे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इधर देखो मानो मैं मेरी बात करता हूं कि हेमंत नाम का कोई एक इंसान है इधर देखिएगा उसकी स्कूल में कोई एक एग्जाम ली गई क्या ली गई एग्जाम ली गई पर एग्जाम मानो के पांच सब्जेक्ट की एग्जाम थी अब ये पांच सब्जेक्ट की एग्जाम में मिले हुए ऑपटेन मार्क्स में लिखता हूं देखो मानो एक सब्जेक्ट में मुझे पैंतीस मार्क्स मिले एक में मानो मेरे को बयालीस मिला, मिला एक में मानो मेरे को पैंतालीस मिला एक में मानो मेरे को अड़तीस मिला और एक में मेरे को चालीस मिला और ये चार पांचों पांच एग्जाम है वो पचास मार्क्स की आप ऐसा सोचो चलो क्या हुआ हेमंत नाम का कोई एक इंसान है उसकी स्कूल में कोई एक एग्जाम ली गई और एग्जाम के अंदर टोटल पांच अलग 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 सब्जेक्ट है और पांचों पांच सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो आउट ऑफ फिफ्टी लिखे है भाई पहले सब्जेक्ट में उसको पचास में से पैंतीस मिले दूसरे में बयालीस मिले तीसरे में पैंतालीस मिले चौथे में अड़तीस मिले और पांचवे में चालीस मिले तो आपको सिंपल बोला जाए कि हेमंत नाम के बच्चे को जो भी मार्क्स मिले होंगे उसका एवरेज निकालो तो क्या करेंगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया क्या करेंगे सबसे पहले ये हमारे पास देखो टोटल पांच ऑब्जर्वेशन है तो पांचों पांच का मैं सम कर दू तो देखो पैंतीस पैंतालीस कितना अस्सी 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 सौ और ये आपका बनेगा दो सौ तो आपका सम बनेगा वो दो सौ बनेगा और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने आएंगे पांच तो मेरा एवरेज कितना बन जाएगा चालीस बन जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला अप्रोच बराबर चलो तो एवरेज ढूंढने का देखो सबसे पहला जो अप्रोच हम जनरली यूज करते हैं उसी को बोला जाता है फॉर्मूला अप्रोच और ये बहुत आसान है इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा है नहीं चलो अब देखिएगा दूसरा जो अप्रोच है दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन अप्रोच अप्रोच सुन लेना ये बहुत क्लासिकल है बराबर और मैं बहुत बार देखो क्वेश्चन के अंदर ये डेविएशन अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा देखना बराबर अब आप बोलोगे सर देखो डेविएशन तो मैं तो बोलता हूं आपको देखो अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया मैं आपको हर चीजें समझाता हूं एवरी छोटी छोटी चीजों पर मैं फोकस करता हूं क्यों क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि हर अपने आप में बेस्ट है। कोई ऐसा हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकता कि सर formula ही बेस्ट है कोई ऐसा हंड्रेड परसेंट नहीं बोल सकता है कि सर deviation ही बेस्ट है सब अपने आप में बेस्ट है आप क्या करो अप्रोच की साइज सॉरी आपके प्रॉब्लम की साइज को देख के अप्रोच डिसाइड करो मेरी बात आपको समझ में आ रही है हाँ सो so, ऐसा नहीं सोचने का है कि देखो जनरली हम कुछ बच्चों की मेंटालिटी ऐसी होती है वो ऐसा सोचते हैं कि सर मैं एक्स लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा बिना एक्स करूंगा तो ही छोटा होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है डन कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं जो सोचते हैं कि सर मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा बिना फॉर्मूले करूंगा तो छोटा होगा ऐसा नहीं होता है वो आपके प्रॉब्लम की साइज पे डिपेंड करेगा और मैं आपको वही समझाते आया हूं कि आप प्रॉब्लम की साइज को देख के अपना अप्रोच डिसाइड करो बात समझ में आ रही हाँ सो सब अपने आप में बेस्ट है फॉर्मूला भी बेस्ट है और डेविएशन भी बेस्ट है। चलो अब बारी आती है कि सर ये डेविएशन से कैसे करेंगे चलो इधर देखिएगा तो अब एक बार मैं ये डेविएशन अप्रोच बता देता हूं इसको इसको जनरली हम बोलेंगे विचलन डेविएशन का मतलब होता है विचलन अब देखो डेविएशन अप्रोच के अंदर हमें कभी भी एवरेज निकालना हो ना तो आप क्या करो सबसे पहले देखो मैं इसी को टारगेट करता हूं ये पैंतीस ले लो ये बयालीस ले लो ये पैंतालीस ले लो दो एग्जाम्पल दूंगा आप समझ जाओगे एक अड़तीस ले लो और एक चालीस ले लो और बोले कि ये पांच नंबर का एवरेज निकालो तो आप देखो डेविएशन मेथड में क्या करोगे कि ये पांच नंबर को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे इधर देखो और नंबर को ऑब्जर्वेशन करोगे और क्या करोगे कोई भी एक एवरेज आपको मान लेना है आपका जो भी मन करता है लेकिन ऐसा एवरेज मानो जो नंबर के आसपास में हो तो ये नंबर को देख के मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या करता हूं एक काम करूं ये जीरो पांचों पांच नंबर को मैंने ऑब्जर्व किया ना तो मेरे दिमाग में आया कि एक काम करो ये पांच नंबर की एवरेज को मैं क्या करता हूं पता है चालीस मान लेता हूँ चलो तो ये चालीस से इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड इज अज्यूम्ड एवरेज देखिएगा बहुत आसान है इसको बोला जाता है कि हमने सोची हुई एवरेज है वो चालीस है लेकिन जरूरी थोड़ी है वो चालीस इसका आंसर चालीस ही आएगा अब हम क्या करेंगे जो भी हमारी एज्यूम्ड एवरेज है ना उसको सारे नंबर के साथ कंपेयर करके कितना डेविएशन आ रहा है वो निकालेंगे देखिएगा चलो तो सबसे पहले मैं चालीस को पैंतीस के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पैंतीस है वो एवरेज से कम है तो यहां पर लिखो माइनस पांच देखते जाना बराबर बहुत आसान है चलो फिर मैं ये 40 को दूसरे नंबर 42 के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता चला कि बयालीस से वो तो चालीस से दो ज्यादा है तो अब लिखो प्लस दो तो डेविएशन प्लस दो आएगा देखते जाना फिर मैं क्या करता हूं ये चालीस को पैंतालीस के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चला सर ये तो पांच ज्यादा है तो प्लस पांच लिखेंगे फिर ये चालीस को अड़तीस से क्या करूंगा कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि सर ये तो दो कम है तो माइनस दो लिखो और 40 को 40 के साथ कंपेयर करेंगे तो इनका तो कोई फर्क आएगा नहीं तो इसका डेविएशन हो जाएगा जीरो तो इसी का ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ना इसी को बोला जाता है टोटल डेविएशन क्या बोला जाता है टोटल डेविएशन तो आप देखो हमारे क्वेश्चन का टोटल डेविएशन कितना आया तो प्लस पांच माइनस पांच कैंसल प्लस टू माइनस टू कैंसल तो मेरा डेविएशन कितना आया जीरो आया इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा जो एज्यूम्ड एवरेज है ना वही मेरा फाइनल एवरेज होने वाला है सुन लेना बहुत आसान है डन चलो अब एक काम करेंगे काफी लोगों को इसमें थोड़ा वैसे तो समझ में आया होगा एक आध एग्जाम्पल और लूंगा ना तो और अच्छे लेवल पे क्लेरिफाई होगा चलो इधर देखो एक नया एग्जाम्पल लेते हैं चलो देखिएगा इधर बराबर बहुत आसान है मानो एक नंबर में लेता हूं चार देखते जाना दूसरा नंबर में ले लेता हूं पांच तीसरा नंबर में ले लेता हूं पांच सौ चौदह और मानो पांचवा नंबर नंबर में ले लेता, और मानो में ले ले लेता चलो इधर देखो अब आपको ऐसा बोले कि ये पांच का एवरेज निकालो चलो मैं डेविएशन से जा रहा हूं देखो सिंपल फॉर्मूला तो आपको आता ही है पांचों पांच को प्लस करके डिवाइड बाय फाइव कर दो तो वैसे तो आएगा हंड्रेड एंड वन परसेंट लेकिन अब मैं इसको आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि डेविएशन से कैसे निपटाएंगे देखो चलो तो अब डेविएशन के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि पांचों पांच नंबर को पहले आप क्या करो अच्छे लेवल पे ऑब्जर्वेशन करो और मानो कोई एकाद नंबर को एज अ एवरेज मान लो चलो तो मैंने देखा मैंने देखा कि okay, भाई सारे नंबर 500 के आसपास में है तो मैं क्या करता हूं जो मेरी एज्यूमड एवरेज है ना उसको मान लेता हूं पांच बराबर अब ये पांच है वो मैंने क्या किया इसको मान लिया दिस इज कॉल्ड एज अ एज्यूम्ड एवरेज ये मेरी एज्यूम्ड एवरेज है ऐसी एवरेज मानो जहां से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए देखते जाना 500 को मैंने किया है कि ये पांच नंबर की एवरेज 500 होनी चाहिए अब निकालते हैं डेविएशन चलो तो देखो चार सौ बारे कितना है आठ कम है तो यहाँ लिखेंगे माइनस आठ चलो ये 500 से पांच सौ छह छह ज्यादा है तो लिखेंगे प्लस छह ये पांच सौ से चौदह ज्यादा है तो यहां लिखेंगे प्लस चौदह देखते जाना ये पांच सौ से चार सौ नब्बे दस कम है तो यहाँ लिखो माइनस दस और ये 500 से 25 525 कितना है ज्यादा है 25 ज्यादा है तो लिखो प्लस 25 तो ये जो राउंड कर रहा हूं ना इसी को बोला जाएगा टोटल डेविएशन तो अब देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर टोटल डेविएशन कितना आया तो ये देखो माइनस आठ प्लस छह माइनस दो माइनस दो में चौदाह को ऐड करेंगे तो बारह बारह में से दस जाएगा तो कितना दो और सॉरी बारह में से दस जाएगा तो दो और दो में पच्चीस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सत्ताइस यानी इसका मतलब क्या हुआ पता चला कि मेरा टोटल डेविएशन है ना वो सत्ताईस आया अब आपको क्या करना है कि ये जो टोटल डेविएशन सत्ताईस आया इसका मतलब क्या हुआ पता चला कि आपके पास टोटल सत्ताईस चीजें अभी एक्स्ट्रा पड़ी है देखो टोटल डेविएशन का मतलब होना कि आपको आपने जो सोचा है उससे आपके पास कितना एक्स्ट्रा आया तो मैंने एवरेज को 500 सोचा है ना तो 500 से ये 27 है ना वो ज्यादा मेरे पास एक्स्ट्रा आया तो अब हमें तो निकालना है एवरेज तो मैं क्या करूंगा जितनी भी चीजें ज्यादा आई है उसको सारे लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करूंगा तो ये सत्ता है उसको हम क्या करेंगे तो हमारे पास टोटल लोग कितने पांच है तो ये सत्ताईस को पांच के बीच में आप डिवाइड कर दो तो सत्ताईस को पांच के बीच में डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना बनेगा 5.4 बनेगा कि नहीं बनेगा इसका मतलब देखो 500 तो मैंने एवरेज एज्यूम किया है और डेविएशन से 5.4 ज्यादा आया तो मेरा आंसर बनेगा 505.4 ये मेरा फाइनल एवरेज होगा सुन लेना बहुत बहुत आसान है एक बार समझ लो कब भी बोलोगे नहीं और बहुत बेहतरीन तरीका है सुन लेना ये कहां लगाना वो भी डिस्कस करेंगे आप टेंशन मत लो चलो पहले यहां तक की बात समझ में आई है तो लिखो थोड़ा थोड़ा हर समझ में है तो फिर इसको मैं एक बार और दूसरे एंगल से समझाता हूं चलो फटाफट लिखो यहां तक की बात समझ में आई है तो लिखो एक बार तो इसको फिर हम लोग एक बार और दूसरे एंगल से भी समझने की ट्राई करेंगे सारे बच्चे को लिखना है आई होप सब लोग मजा आ रहा है एकदम एंजॉय कर रहे हैं बराबर बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं पहली बार पढ़ रहे तो बिल्कुल बिल्कुल आराम से चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड सारी चीजें क्लियर है एकदम ओके चलो अब देखो किसी के दिमाग में आता होगा कि सर आपने तो 500 ही माना है मेरा मन कुछ दूसरा करे तो चलो तो अब एक काम करो अब आपका जो मन करे ना वो मानते अब जरूरी नहीं है कि एज्यूमड एवरेज को पांच मानना अब कोई बच्चा सोचता है कि सर मैं 510 मान के करूं तो चलो तो एक बार मैं 510 मान के भी करवा देता हूं आप कुछ भी मानो लेकिन ऐसी वैल्यू मानो जहां से आपकी कैलकुलेशन आसान होए और आपको जल्दी से जल्दी एवरेज मिले तो अंदाजा ऐसा ही लगाओ जो आपके एवरेज के बिल्कुल नजदीक में हो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो अब मानों में यही क्वेश्चन में किसी के बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं एज़्यूम एवरेज को 510 मानूं तो क्या होगा देखो वो भी चेक करते चलो 510 को 492 से कंपेयर करो कितना 18 का में तो माइनस -18 भेज दिया 510 को 506 से कंपेयर करो तो माइनस चार आएगा पर फिर 510 को 514 से कंपेयर करोगे तो +4 आएगा देखता जाना 510 को 490 से कंपेयर करो तो -20 आएगा पर 510 525 से कंपेयर करेंगे तो प्लस 15 आएगा चलो तो इसका मतलब अब देखो मैं टोटल डेविएशन निकालूंगा बराबर समझिएगा बहुत आसान हो गया है चलो तो मेरा टोटल डेविएशन कितना आएगा देखो प्लस चार माइनस चार कैंसल माइनस पंद्रह सॉरी पंद्रह में से बीस जाएगा तो माइनस पांच तो टोटल डेविएशन आया माइनस तेवीस तो अब ये माइनस तेबिस को हम क्या करेंगे कितने लोग है पांच लोग है तो पांच लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करूंगा तो ये आंसर बनेगा माइनस फोर पॉइंट सिक्स बनेगा बनेगा कि नहीं बनेगा वेरी गुड वेरी गुड अब मैंने मानी हुई एवरेज कितनी है पांच सौ दस है लेकिन माइनस फोर पॉइंट सिक्स आया इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एवरेज है वो चार पॉइंट छ कम होनी चाहिए जिसको मैंने एज्यूम किया है उससे तो मैंने एज्यूम किया था कितनी पांच सौ दस थी लेकिन 510 से 4.6 कम होनी चाहिए तो कितनी हो जाएगी 505.4 पान्स हो जाएगी यू विल गेट द सेम आंसर देख लो मजा आ गया खत्म क्लियर डन तो देखो ये होता है आपका डेविएशन अप्रोच तो ये भी अपने आप में बहुत बहुत अच्छा सा अप्रोच है मजा मजेदार है चलो क्लियर हो गई है सबको बात सुन लेना तो कोई टेंशन लेना नहीं है आप किसी को भी एवरेज मान के चल सकते हो लेकिन आपको जो फोकस करना है वो डेविएशन पे करना है बस इतना समझना है बाकी इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं डन चलो अब बारी आती है काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये डेविएशन लगाना कब अच्छा है और फॉर्मूला लगाना कब अच्छा है उसके बारे में एक मिनट डिस्कशन करूंगा सुन लेना बराबर चलो एक दूसरा वेटेड एवरेज समझाऊंगा उससे पहले तो मैं बता देता हूं कि सर डेविएशन हमारे लिए बेस्ट कब है और सिंपल फॉर्मूला कब बेस्ट है तो देखो डेविएशन हम लोग जनरली कहाँ पर लगाएंगे पता है जब नंबर्स आपके नंबर्स आपके रिलेटिवली बड़े नंबर्स हुए रिलेटिवली बड़े होए हमारे नंबर है वो रिलेटिवली बड़े हो अब देखो छोटे छोटे नंबर होंगे पंद्रह बीस बारह तेरह पंद्रह तो उसमें डेविएशन मत करो और लंबा हो जाएगा बड़े बड़े नंबर्स हो जैसे अभी मैंने लिया चार सौ बरानवे पांच सौ दस पांच सौ पच्चीस ऐसे रिलेटिवली बड़े नंबर हो तब और दूसरा डेविएशन तभी लगाओगे जब नंबर के बीच में जो गैप है ना वो रिलेटिवली बहुत छोटा हो रिलेटिवली बहुत कैसा हो छोटा होए अब इसका मतलब क्या हुआ तो देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इधर देखिएगा सब लोग अब मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं चलो अब आप देखो कोई आपको ऐसा बोले कि बेटा पंद्रह ले लो तेरा सो ले लो छो पच्चीस ले लो सत्ताईस सौ ले लो और आपको बोले चार सौ बीस ले लो ये पांच नंबर का एवरेज निकालो आपको कोई ऐसा बोले अब आप सोचो कि इसके अंदर में डेविएशन लगाने जाऊंगा तो आप और फंस जाओगे कोई मतलब नहीं है आप मेरी बात को बहुत अच्छे लेवल पे समझ रहे हो देखना ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कहीं कोई बुक्स के अंदर आप समझते जाना बहुत मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूं दन, कि सर, लगाना हमारे लिए कब बेस्ट है जब नंबर थोड़े बड़े बड़े होए और उनके बीच में जो गैप है ना वो छोटा छोटा हो यानी कि नंबर एक दूसरे के काफी क्लोज होए अब यहां पर आप देखो पंद्रह और तेरह सौ के बीच में कितना बड़ा गैप है आप समझ रहे हो कितना बड़ा गैप है अब यहाँ आप देखो मानोगे किसी एक एवरेज को अगर मानो आप 500 मान के भी स्टार्ट करते हो तो आप देखो कैलकुलेशन आपकी कितनी हैवी हो जाएगी 500 से ये कितना कम चार सौ कम 500 से ये 800 ज्यादा इतनी मेहनत करोगे उतनी देर में तो आप फटाफट प्लस कर लोगे वो अच्छा हो जाएगा मेरी बात को आप समझ रहे हो मुझे आपको क्या समझाना है तो बस मुझे आपको यही समझाना है कि आप डेविएशन से तभी जाइएगा जब नंबर एक दूसरे के बहुत छोटे छोटे क्लोज गैप पे दिए हो और रिलेटिवली बड़े नंबर ओके क्लियर okay? है चलो तो लिखो फटाफट आ अब क्लियर हो गया सो so, डेविएशन भी बेस्ट है अपने आप में और मेथड भी अपने आप में बेस्ट है अब यहां पर बेस्ट क्या होगा जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें आपके लिए क्या बेस्ट होगा लिखो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिखो बिल्कुल एक्टिवली जुड़े हुए सारे बच्चे एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे हैं है ना चलो मुझे बताइए ये एग्जाम्पल में क्या करना बेस्ट होगा बोलो फटाफट बस सिंपल मेथड ही अच्छा रहेगा अब इसमें आप जाओगे डेविशन डेविशन लगाओगे कोई मतलब नहीं है ये मीनिंगलेस हो जाएगा ओके okay? चलो वेरी गुड जैसे देखो नहीं है, वैसे भी हो रहा तेरह सो सत्ताइस चार हजार चार हजार चार सौ बीस चार हजार चार सौ बीस में छह सौ पच्चीस को ऐड करो समझ में आया तो पांच हजार पैंतालीस और पांच हजार पैंतालीस में पंद्रह को ऐड कर दो तो, तो आपका आंसर वैसे भी आ रहा है पांच हजार साठ तो वैसे अपने आप आराम से हो रही कैलकुलेशन चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया अभी मैं आंसर के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं बट मैंने आपको पहले तो समझा दिया कि डेविएशन कहा बेस्ट है फॉर्मूला कहाँ बेस्ट है दोनों अपने आप में बेस्ट है ओके okay? चलो वेरी गुड वेरी गुड अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर एक नए कंसेप्ट की ओर जिसका आप लोग वेट कर रहे हो कि सर ये वेटेड एवरेज क्या होता है अब देखो इसके बाद में कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ऐसा होगा मैं कंसेप्ट बताते जाऊंगा तो दो लेक्चर तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट चलेगा तो मेरा प्लानिंग ऐसा भी थोड़ा है क्या पता है क्या कि दो दो तीन तीन कंसेप्ट बताता जाऊंगा और उसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े करते जाएंगे अदरवाइज फिर आप बोर हो जाओगे मैं खाली बोलता जाऊंगा आप सुनते जाओगे कोई मतलब नहीं है इससे बेटर थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी लेते जाएंगे आप भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करूं ताकि एक लेक्चर का बैलेंस है ना वो बना रहे है ना हाँ तो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे तो आज पहले कंसेप्ट और वेटेड एवरेज का थोड़ा बता दू और उसके बाद हम चालू करते थोड़े एग्जाम्पल्स लेके स्टार्ट करते धीरे धीरे बराबर हाँ, पहला लेक्चर है बिल्कुल टेंशन मत लेना कम से कम मैं आपको बता देता हूं छे से सात से आठ सेशन लूंगा एवरेज में आप गारंटी है मास्टर हो जाओगे और मैंने आपको आगे भी बोला है आप दो ही चैप्टर पढ़ो तीन चैप्टर कम पढ़ो लेकिन चैप्टर को उस लेवल पे पढ़ो कि एग्जाम में अपने साथ कभी कोई टेंशन आए ही नहीं ओके चलो वेरी गुड अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सर वेटेड एवरेज तो कब यूज होता है तो देखो जब भी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आती है दो अलग अलग दो या तो दो से ज्यादा ग्रुप हो और आपको बोले कि ये दोनों ग्रुप को मैं कंबाइन करूंगा तो ओवरऑल एवरेज क्या मिलेगा वेटेड एवरेज का मतलब मैं मेरी लैंग्वेज में समझता हूं ना तो एक ओवरऑल एवरेज ही होता अब आप बोलो कैसे एक एग्जाम्पल लेते ऐसे नहीं समझोगे छोड़ो ये सब आया है बराबर हमें टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में नहीं पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं सीधे एक एग्जाम्पल से देखिएगा मानो मेरे पास कोई एक ग्रुप ए है देखते जाना बराबर अब ग्रुप ए के अंदर मानो के टोटल कितने दस लोग हैं वी है टेन पीपल इन ग्रुप ए और ये दस लोगों का मानो के एवरेज है वो हमारे पास है वो पच्चीस है डन फिर मानो एक कोई एक दूसरा ग्रुप है मेरे पास अब इसमें जो टोटल लोग है वो मान लो अपने पास पंद्रह है और इनका जो एवरेज है वो कितना है बाईस है बराबर यहां पर एवरेज का मतलब आप ऐसा समझो मैं एज मान रहा हूं कि भाई दस लोगों की एवरेज एज है वो पच्चीस साल है और ये दूसरे ग्रुप में पंद्रह लोग है उनका जो एवरेज एवरेज एज है वो कितनी है बाईस साल है अब आपको ऐसा बोले कि ये दोनों ग्रुप को अगर मैं इकट्ठा करता हूँ अगर मैं दोनों ग्रुप को कंबाइन करता हूँ तो मुझे ओवरऑल एवरेज कितनी मिलेगी मुझे वेटेड एवरेज कितना मिलेगा वो ढूंढना है तो वेटेड एवरेज का मतलब ही होता है क्या पता है जब आपके पास क्वेश्चन में एक से ज्यादा एवरेज होती है कितनी एक से ज्यादा एवरेज होती है और वो एवरेज को आप कंबाइन करके एक ओवरऑल एवरेज निकालते हो ना उसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज समझ में आया तो देखो अपने क्वेश्चन में दो एवरेज है मैंने ग्रुप ए का एवरेज दिया है और एक आपको ग्रुप बी का एवरेज दिया तो ये दोनों ग्रुप को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल मुझे जो एवरेज मिलेगा ना उसी को बोला जाएगा वेटेड एवरेज ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड तो पहले ये बात आपको समझ में आ गई है चलो अब चलते हैं कि सर ये वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे चलो देखो देखो तो पहला तरीका में बेसिक तरीका आपको फॉर्मूला लगा के बता देता हूं चलो अब देखो वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको पता है के मुझे ऊपर तो तो क्या होना चाहिए टोटल, टोटल एज सब लोगों की कुल एज कितनी होगी और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पीपल के नीचे कितने लोग होंगे टोटल तो देखो टोटल लोग तो हमें डायरेक्टली दिख रहे दोनों ग्रुप में कितने कितने पहले में दस लोगे दूसरे में पंद्रह तो टोटल लोग तो अपने हो जाएंगे पच्चीस इसका तो कोई टेंशन है नहीं सबसे बड़ा जो टेंशन है वो हमारा क्या है कि सबसे पहले मुझे टोटल एज निकालना है चलो तो टोटल एज कैसे निकालेंगे तो देखो दोनों ग्रुप का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा एक साथ तो मिलेगा नहीं चलो तो आप देखो क्या है ग्रुप ए का ग्रुप ए का हमारे पास टोटल दस लोग और एवरेज है वो पच्चीस है तो अब देखो हम जानते हैं एवरेज का सिंपल फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर्स ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है अगर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन आपको नहीं पकड़ना हो तो तो अब देखो हमारे पास पहले ग्रुप में कितने नंबर का मतलब 10 लोगे और उनका जो एवरेज है वो कितना है पच्चीस है तो यहाँ से आपको देखो पहले ग्रुप का सम मिलेगा कितना मिलेगा पच्चीस इंटू यानी अढ़ाई मिलेगा यानी पहले ग्रुप में जितने भी लोग एज का जो टोटल होगा ना वो अढ़ाई सौ होगा कहानी दूसरे ग्रुप में तो देखो दूसरे ग्रुप का एवरेज है वो 22 है और टोटल लोग कितने हैं पंद्रह तो बाईस इंटू पंद्रह करूंगा तो कितना बनेगा तीन सौ तीस बनेगा कि नहीं बनेगा तो दूसरे ग्रुप का जो टोटल एज होगा वो कितना होगा तीन सौ तीस होगा वेरी गुड वेरी गुड चलो तो इसका मतलब देखो दोनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना आएगा 580 आएगा कि नहीं आएगा ये बात आपको समझ में आ गई है सो दिस इज इज इट क्लियर डन है अब इसको क्या करना है 25 से डिवाइड करना है चलो अब एक समझदार बच्चा क्या करेगा तो समझदार बच्चा बिल्कुल भी 25 से डिवाइड नहीं करेगा मैंने आपको सारी मल्टीप्लीकेशन ट्रिक सिखाई है अब आप क्या करो दोनों को ऊपर नीचे चार चार से मल्टीप्लाई कर दो वो आपके लिए बेस्ट होगा अब फिफ्टी एट को चार से मल्टीप्लाई करना मेंटली फिफ्टी एट का डबल 116 और 116 का डबल 232 बत्तीस डायरेक्टली बस खत्म और उसके पीछे जीरो और नीचे हो जाएगा सौ मजा आ गया जीरो जीरो कैंसल तो मेरा आंसर बनेगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू तो इसी को बोला जाता है वेटेड एवरेज डन तो वेटेड एवरेज का मतलब ही होता है ओवरऑल एवरेज खत्म क्लियर है डन है ओके okay, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये पहले मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि ऐसे वेटेड एवरेज ढूंढ सकते हैं चलो अब मानो ऐसा नहीं करना है तो अब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड इज यूजिंग द डेविएशन चलो देखिएगा वेरी गुड प्रीति वेरी गुड हर्ष ओके ओके बहुत बढ़िया अब देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं वो ले लेते बाय यूजिंग अ डेविएशन बहुत बढ़िया वेरी गुड समझते जाना अब आप चाहते हो तो डेविएशन से भी निकाल सकते हो सुन लेना बराबर सर 25 लिए तो 20 क्यों 22 क्यों नहीं किए कहा 25 किए मैंने हैं नीचे टोटल लोग आएंगे ना तो टोटल लोग ये आएगा हेलो ये 25 और 22 नहीं लिख रहा हूं वेटेड एवरेज का मतलब ऊपर टोटल नीचे टोटल लोग लिखे तो पहले ग्रुप में दस लोग है और दूसरे में पंद्रह लोग तो कुल मिला के पच्चीस लोग होंगे ना वो नीचे पच्चीस में ये पच्चीस लिखा है हेलो ओके दाने? चलो ये बात आपको समझ में आ गई अब देखते हैं अगर यही चीज को मुझे डेविएशन से निपटाना है तो कैसे निपटाएंगे तो देखो इसको डेविएशन से भी निपटा सकते हैं अब आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना इधर देखो लॉजिकल सोच बनाओ आप लोग अब मुझे पता है कि एक ग्रुप का एवरेज है वो पच्चीस है देखना और एक ग्रुप का एवरेज है वो बाईस है अब मैं ये दोनों को मिक्स करूंगा लॉजिकल है इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पता है बाईस से बड़ा आएगा और पच्चीस से छोटा आएगा बाईस वाली चीज को अगर मैं पच्चीस वाली चीज के साथ मिक्स करता हूं तो जो मिक्सचर आएगा मिक्सचर का मतलब यहां होता है एवरेज तो जो मेरा एवरेज आएगा वो क्या होगा बाईस से सौ परसेंट बड़ा ही होगा और पच्चीस से हंड्रेड परसेंट छोटा ही होगा ये बात एकदम क्लियर है तो आप क्या करो अगर डेविएशन से जाना है ना तो क्या करो ये दोनों में से किसी भी एक को एक एवरेज मान लो चलो तो हम मान लेते कि मेरी जो एज्यूमड एवरेज है वो बाइस है चलो बाईस को मैंने मान लिया एज्यूम्ड एवरेज सुनिएगा डन है बहुत आसान कर रहे जैसे अभी मैंने आपको समझा ये बाइस को मैंने एज्यूम एवरेज मान लिया आप तेबिस भी मानोगे चौबीस भी मानोगे पच्चीस भी मानोगे कुछ भी मानोगे तो चलेगा लेकिन बाईस और पच्चीस के बीच में मानना डन आप तीस मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा बट इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है मुझे आपको यह सिखाना ये बात क्लियर है डन है चलो अब एवरेज को देखो मैंने एज्यूम्ड एवरेज को बाइस माना है अब कंपेयर करो पहले ग्रुप की एवरेज है देखो पच्चीस मैंने माना है बाइस यानी पहले ग्रुप के पास कुछ एक्स्ट्रा है कितना एक्स्ट्रा है तो देखो एवरेज तीन ज्यादा है इसका मतलब एक इंसान के पास तीन ईयर ज्यादा है पर ऐसे कितने लोगे दस लोगे तो टोटल जो डेविएशन आएगा वो प्लस थर्टी का आएगा आएगा कि नहीं आएगा ये बात भी आपको समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है डन ये थर्टी कहां से आया क्योंकि हमने एज्यूम्ड एवरेज को बाईस माना है अब पहले ग्रुप की एवरेज है वो 25 है इसका मतलब हर एक इंसान के पास तीन तीन साल ज्यादा है और ऐसे कितने लोग हैं लोगे। तो एक के पास तीन ज्यादा होगा तो दस लोगों का दस इंटू तीन तीस ज्यादा होगा कि नहीं होगा ये पहले ग्रुप का टोटल डेविएशन आया अब दूसरे ग्रुप का टोटल डेविएशन तो जीरो होगा क्योंकि एवरेज को बाइस माना है हमने और वो ग्रुप का एवरेज तो बाईस ही है तो उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है अब मैंने आपको क्या सिखाया जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल डेविएशन तीस है तो उसको इक्वली डिवाइड करेंगे कितने लोगों के बीच में तो ये ग्रुप वाले दस और ये ग्रुप वाले पंद्रह तो टोटल ये तीस को मैं पच्चीस लोगों के बीच में डिवाइड करूंगा तो आप देखो पांच से काटो छे पांच से काटो पांच तो ये आपका बाईस और सिक्स बाई फाइव का मतलब होता है वन पॉइंट टू तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू देख लो सेम आंसर जो आपको यहां मिला चलो बताइए इज इट क्लियर चलो इज इट क्लियर फटाफट बता दो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को निपटा सकते हो अब देखो इसके बारे में और ज्यादा आइडिया जब हम जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना और अच्छा आइडिया आएगा लेकिन अभी मैं कंसेप्ट करवा रहा हूं तो धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि आगे जाके मैं ऐसी सब मेथड यूज करूंगा तो अभी से आप लोगों को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना नहीं? तो ये आपका हो जाता है पूरा वेटेड एवरेज का कंसेप्ट बस खत्म अब इसमें दो की जगह तीन ग्रुप चार ग्रुप पांच ग्रुप जितना देना है उतना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं ऐसे ही निकालूंगा ओके चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड अब चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन बराबर अब थोड़े क्वेश्चन लेते हैं मैंने आपको पहले ही बोला था बराबर अदरवाइज क्या होगा मैं खाली पढ़ाते रहूंगा आप पढ़ते रहोगे इससे बेटर अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा बहुत लाजवाब क्वेश्चन लिया है बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है करो तो आप लोग ट्राई फटाफट एक बार फिर मैं स्टार्ट करता हूं चलो सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिवली जुड़े हैं बराबर चलो वेरी गुड वेरी गुड बस जुड़े रहना है आप लोगों को और आप सेशन को शेयर करो आप अपने ग्रुप में फ्रेंड्स वगैरह सबको बताओ सबको लेके आइए बराबर क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा इतने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे और उतना ही मैं अच्छे अच्छे आंसर देता जाऊंगा आपको चलो निकालो आंसर और बताओ क्या कर रहे हो चलो बोलो फटाफट आंसर चार नंबर दिए और ये चारों चार का एरिथमेटिक मेन इसका मतलब एवरेज निकालना है चलो बस मुझे पता ही था वही होने वाला है बराबर मुझे आप पे हंड्रेड परसेंट भरोसा था आप यही आंसर देने वाले हो जो बिल्कुल गलत आंसर है इसीलिए मैंने आपसे ट्राई करवाया मुझे पता है कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं होगा वो भी वो गलती करेगा ही करेगा ये बिल्कुल गलत आंसर है सुन लेना आप थोड़ा सा सोचो मुझे एवरेज निकालना है और आपने क्या किया पता मुझे पूरा आप पे भरोसा है आपने क्या किया आप पावर पे टूट पड़े चालीस और अस्सी एक सौ बीस एक सौ बीस एक सौ बीस दो सौ चालीस दो सौ चालीस एक सौ साठ चार सौ और चार सौ डिवाइड बाई चार यानी चार का पावर सौ लिख दिया ये बिल्कुल गलत है डन क्योंकि एवरेज का मतलब आपको देखो चारों चार नंबर को प्लस करना है डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितना आएगा चार तो आप देखो कभी भी याद करो मैंने आपको a का पावर एक्स प्लस एक का पावर वाई आप देखो क्या दो सेम बेस के लिए अगर एडिशन बीच में होता है तो क्या मैंने आपको कभी कोई पावर का रूल सिखाया है कभी भी नहीं सिखाया है एडिशन के लिए पावर का कोई रूल नहीं है और हम क्या कर रहे हैं दे धनादन पावर को ऐड कर रहे पावर तो ऐड कब होती है जब ये सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तब होता है मुझे पता ही था इसीलिए तो मैंने लिया है मैंने सोचा कि चलो देखते क्या करते कुछ तूफानी करते हैं ना ये गलत हो गया सब लोगों का आंसर गलत बराबर तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा तो देखो ये चारों चार को प्लस किया डिवाइड बाई चार अब कैसे करेंगे तो इनको चार से डिवाइड करने के लिए देखो आप क्या करो ऊपर वाले सब में से एक बार चार को कॉमन निकालो यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डन तो आंसर क्या आएगा तो देखो चार में से चार जाएगा तो चार का पावर यहां थर्टी नाइन बचेगा यहां चार का पावर सेवेंटी नाइन बचेगा यहाँ चार का पावर एक सौ उन्नीस बचेगा एक बार चार को बाहर निकाल रहे और यहां चार का पावर वन फिफ्टी नाइन बचेगा सब में से चार की एक पावर को बाहर निकाला तो ये चार चार कट गया तो बचेगा कौन ऑप्शन सी मेरा आंसर क्लियर है समझ में आ गई मेरी बात तो देखो पहले ही क्वेश्चन में आपको कैसा फंसा दिया अब हम बोलते हैं कि सर एवरेज तो मुझे आता है अब आपको पता चल गया होगा बराबर ना अपना लेवल क्या है हमें पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को अच्छे लेवल पे ओके okay? डन है चलो कोई बात नहीं यार गलती अक्सर होती है इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं बट मैं जस्ट बता रहा हूं कि देखो छोटी चीजें भी कभी कभी हम लोगों से गलत हो जाती है कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने दिया और हमारी गलती हो गई मुझे पता ही था चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं बढ़िया एकदम क्लियर है तो देखो इसी को बोलते कंसेप्ट को अच्छे लेवल पे क्लियर करते जाना क्योंकि एग्जामिनर क्या होगा वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा और हम भावनाओं में बह जाते बराबर ना कि टूट पड़ू पावर पे चार अस्सी चालीस अस्सी एक सौ बीस एक सौ साठ को प्लस कर दू ऐसा जबकि लॉजिकली हम कर ही नहीं सकते जाने चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया तो चलते हैं नेक्स्ट के अंदर दूसरे क्वेश्चन की ओर बराबर देखते जाना चलो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया अब आया देखो दूसरा क्वेश्चन आया पढ़ो क्या लिखा है द एवरेज एवरेज ऑफ एम 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 चलो चलो नंबर 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 का जो है 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 वो टू कितने number है? M number है, और इसका जो एवरेज दिया है वो दिया है दिस इज इक्वल टू एन का पावर चार दिया है फिर आगे बोला है कि द एवरेज ऑफ एन नंबर अब देखो एन नंबर है और इनका जो एवरेज दिया है ना दिस इज इक्वल एम का पावर चार दिया है ध्यान रखिएगा दो अलग अलग ग्रुप है डन दो अलग अलग ग्रुप दिए ये ग्रुप वन का और ये ग्रुप टू का है तो मुझे क्वेश्चन में बोला क्या है M N numbers, यानी ये M और ये N, दोनों का टोटल एवरेज आपको निकालना है सो यू हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज चलो इधर देखो डन है आपको क्या करना है वेटेड एवरेज निकालना है चलो तो वेटेड एवरेज, तो एवरेज निकालना हो तो देखो ऊपर क्या बनेगा टोटल सम चलो तो पहले वाले ग्रुप का सम कितना बनेगा तो आपको पता है सम का मतलब क्या होना एवरेज को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम इंटू एन का पावर चार बनेगा दूसरे वाले का सम कितना बनेगा तो आप बोलोगे एन इंटू एम का पावर चार बनेगा तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या बनेगा ऊपर आएगा दोनों का टोटल सम सुन लेना चलो तो दोनों का टोटल सम कितना आएगा ये आएगा एम एन का पावर चार आएगा प्लस ये बनेगा एन एम का पावर चार आएगा और नीचे बनेंगे टोटल ऑब्जर्वेशन तो टोटल ऑब्जर्वेशन में ये एम है और ये एन है तो नीचे बन जाएगा एम प्लस एन चलो अब फायदा कुछ होने वाला है देखो तो मेरे हिसाब से ऊपर से दोनों में से एम एन एक बार कॉमन निकलेंगे तो बचेगा एन का पावर तीन बचेगा प्लस एम का पावर तीन बचेगा आपके लिए एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं ताकि आप फिर बोलोगे नहीं कि सर आप ये डायरेक्टली कैसे लिख देते हो चलो अब देखो अब याद करो आपको जब मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है तब एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला लिखवाया है एक क्यूब प्लस बीक्यूब का कौन सा तो पहले फॉर्मूले में एम प्लस एन और दूसरे फॉर्मूले में एम स्क् माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर आएगा और नीचे अपना कौन है एम प्लस एन है अब फायदा क्या होगा ये दोनों ये दोनों कैंसिल तो मेरा जो वेटेड एवरेज बनेगा वो एम एन ब्रेकेट के अंदर एम स्क्वेयर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर बनेगा सो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा डी फॉर दैली बनेगा नहीं बिल्कुल नहीं डी फॉर दहली बनेगा आपका फुल एंड फाइनल आंसर ओके सी कहां से लाए आप लोग हैं क्या बात कर रहे हो सारे लोग सी ला रहे मैंने तो गलती नहीं की ना नहीं नहीं बराबर लिखा है मैंने तो बिल्कुल बराबर लिखा ओके okay, हाँ मैं भी डर गया मैंने बोला क्या हुआ मैंने ऐसी गलती कर दी बिल्कुल नहीं एकदम बराबर है बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी दूसरे ब्रेकेट में ए स्क्वेर माइनस ए बी प्लस बी स्क्र चलो ओके वेरी गुड तो देखो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको आगे समझाया वेटेड एवरेज बस देखो उसके ऊपर क्वेश्चन बना डाला और बहुत अच्छा सुपर परफेक्ट क्वेश्चन बनाया ओके चलो वेरी गुड वेरी गुड तो चलते हैं नेक्स्ट के अंदर तीसरे क्वेश्चंस की ओर बराबर चलो अब देखो अगेन एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है सर व्हाट डू फॉर फ्रॉम फ्रॉम बेसिक आई एम बीए चलो अब आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना मैंने आपको बता दिया है आपको नहीं पता होगा आज इवनिंग के अंदर मैंने एक सेशन रखा है नौ बजे जुड़ जाना आप मेरे साथ 2021 की अंदर बैंक एग्जाम्स की तैयारी कैसे करे कैसे करे बराबर पूरे 2021 के अंदर जो जो भी बैंक एग्जाम्स आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करेंगे Ask me anything. ये एक स्पेशल सेशन मैंने रखा है आज आप लोगों के लिए तो आप इवनिंग में मेरे साथ जुड़ जाना वहां पर मैं आपको सारी चीजें बहुत रूट लेवल से क्लियर करूंगा बिगिनर्स को क्या करना चाहिए और कहां से शुरुआत करनी चाहिए इफ दे आर टारगेटिंग द बैंक एग्जाम्स ओके चलो बहुत बढ़िया अब देखो आया है हमारे सामने पहला क्वेश्चन और ये कहा सेशन चलेगा तो मैं बता देता हूं ये जो सेशन है वो अनएकेडमी की एप्लीकेशन पे होगा अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा जिसका टाइम रखा है वो इवनिंग में नौ से दस बराबर हाँ नौ से दस इवनिंग में टाइम रखा है दस साढ़े दस भी बच जाएगा तो टेंशन नहीं है बट पूरो आप पूरी चीजें हम लोग बहुत रूट लेवल से क्लियर करेंगे ओके चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो अब देखो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर आता हूं क्या बोला है एवरेज दिया है किसका उन्नीस एक्स बारह सात इसके बाद बोला है सोलह लोगों का एवरेज दिया है सोलह बीच में एक नंबर एक्स मिसिंग है वाइल द एवरेज ऑफ अब दूसरा एवरेज दिया किसका सैतीस अट्ठाइस तिरपन वाई और बयालीस इन लोगों का एवरेज दिया है वो इकतालीस दिया इसमें एक बीच में नंबर है वो वाई मिसिंग है डन और आपको बोला है क्या और आपको बोला है कि इसका वैल्यू निकालो एक्स प्लस वाई डिवाइड में वाई माइनस एक्स चलो तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सीधा सा हिसाब है सबसे पहले तो आपको कुछ भी करके क्या करना पड़ेगा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा चलो अब आप क्या करो देखो डायरेक्टली निकाल दो कोई डेविएशन डेविएशन के चक्कर में मत पड़ो छोटे छोटे नंबर है देखो अब कितने लोग है एक दो तीन चार पांच छह लोगों का एवरेज सोलह है तो टोटल नाइनटी सिक्स आएगा तो नाइनटी सिक्स बराबर देखो फटाफट टोटल करो तेबीस और पंद्रह अड़तीस अड़तीस में उन्नीस ऐड करो सत्तावन सत्तावन में सात ऐड कर दो सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर में बारह ऐड करो तो सेवेंटी सिक्स प्लस एक्स आएगा तो का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी कहानी वाई की आएगी चलो कितने नंबर है अपने पास तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं उन्नीस कहाँ से आएगा उन्नीस आ रहा है एक सेकंड ना मुझे देखने दो अड़तीस और दो सत्तावन सत्तावन और सात सिक्सटी फोर और बारह सेवेंटी सिक्स बराबर है भी सारा है देखो आपने कहीं टोटल में गलती की होगी चलो इधर देखो फिर दूसरे में कितने एक दो तीन चार पांच टोटल देखो दूसरे में पांच ही नंबर है तो उसका एवरेज इकतालीस है बी केयरफुल जल्दबाजी में छह नंबर मत ले लेना है ना चलो तो ये आपका देखो पांच का एवरेज इकतालीस है तो पांच लोगों का टोटल कितना दो सौ पांच बनेगा तो दो सौ पांच बराबर इधर टोटल करो देखो कैसे टोटल करो थर्टी सेवन में देखो पहले पहले मैं थर्टी सेवन के अंदर फिफ्टी थ्री एड करूं कैलकुलेशन को लॉजिकल बनाओ थोड़ी ये हो जाएगा नब्बे उसके बाद आप क्या करो अट्ठाईस में बयालीस को एड कर दो तो ये हो जाएगा सत्तर तो नब्बे और सत्तर एक सौ साठ तो दिस वुड बिकम वन सिक्सटी प्लस वाई तो वाई का वैल्यू आपका कितना बन जाएगा पैंतालीस बन जाएगा खत्म चलो x मिल गया y मिल गया तो ऊपर क्या चाहिए x प्लस वाई यानी पैंतालीस और बीस को टोटल करूंगा पैंसठ नीचे बनेगा वाई माइनस एक्स तो पैंतालीस में से बीस जाएगा तो कितना बनेगा पच्चीस पांच से काटो तेरा पांच से काट लो तो पांच तो तेरा डिवाइड बाई पांच का मतलब होता है टू पॉइंट सिक्स वेरी गुड बहुत अच्छा सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन ओके वेरी गुड निहित बहुत बढ़िया वेरी गुड सब लोग अच्छे लेवल पे बात को समझ रहे ओके okay? चलो तो चलते हैं नेक्स्ट के अंदर एक नए तीसरे क्वेश्चन की ओर वेरी गुड चलो ये आपको ही निकालना है आप जो बोलोगे वो फुल एंड फाइनल आंसर होगा फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो निकालो फटाफट चलो आई थिंक नहीं समझ में आया हर्ष और रचना बोल रहे सर ये एक बार पूरा बताओ देखो इधर देखो इधर देखो मैं समझाता हूं वापिस एक बार थोड़ा फास्ट चले गए लेकिन देखो कितने नंबर है अपने पास इधर देखो एक तेबिस है एक पंद्रह है एक उन्नीस है ये एक्स है ये बारह है और ये सात है टोटल छह लोग है इसका जो एवरेज है ना वो कितना दिया है तो एवरेज दिया है वो सोलह दिया अब छह लोगों का एवरेज सोलह है तो सम कितना होगा तो सम होगा वो नाइन्टी सिक्स होगा तो नाइनटी सिक्स का मतलब ही होता है ये सबका टोटल डन तो ये सब का मैंने जो टोटल किया तो कितना आया सेवेंटी सिक्स प्लस एक्स आया तो ये जो टोटल है वो नाइनटी सिक्स बराबर होगा तो वहां से की वैल्यू कितनी मिलेगी ट्वेंटी मिलेगी खत्म ओके डन और ऐसा सेम यहां पर यहां पर देखो इकतालीस है वो एवरेज है कितने लोगों का एक दो तीन चार और पांच लोगों का है हाँ सोलह इंटू छ क्योंकि ये टोटल नहीं है वो एवरेज है तो एवरेज से टोटल कैसे निकालेंगे तो एवरेज को टोटल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द टोटल ओके तो अब आपको वो भी समझ में आया वहां 205 क्यों आए क्योंकि तो 41 एवरेज थी पर 41 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 आएगा सो टू जीरो फाइव वुड बी योर टोटल सम चलो वेरी गुड वेरी गुड निकालो नेक्स्ट में नया क्वेश्चन ये आपको ही निकालना है छोटे छोटे नंबर है कोई डेविएशन लगाना नहीं है सीधा सीधा प्लस करो बस मेंटली पहले तो टोटल लोग कितने वो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह लोगों का एवरेज बारह तो सम सम्वालीस आएगा रचना हर्ष बराबर समझिएगा सम कितना बनेगा बारह इंटू बारह एक सौ चुम्बालिस बनेगा और बाकी लोगों का सबका टोटल कर दो और दोनों इक्वल होंगे तो वहां से एक्स निकालो चलो वेरी गुड वेरी गुड सब लोग समझ चुके हैं फाइनली तो मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर बराबर क्योंकि देखो बारह इंटू बारह टोटल अपना एक सौ हो गया था बराबर क्योंकि बारह देखो ही फाउंड द मीन मीन का मतलब आपको समझ जाना अभी मैंने बोला था ये एरिथमेटिक मीन है पर एरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है एवरेज तो बारह लोगों का एवरेज बारह है तो, तो टोटल एक सौ होगा तो एक क्या होगा ये तीन ग्यारह सात नौ ये सबका टोटल बराबर होगा तो देखो मेंटली करो आप लोग ग्यारह और तीन चौदह और सात इक्कीस और नौ तीस तीस और पंद्रह पैंतालीस और तेरह फिफ्टी एट और आठ सिक्सटी फोर और नाइनटीन एटी थ्री एटी थ्री कितना सौ एक सौ इक्कीस एक सौ इक्कीस और दो तेबिस और चौदह एक सौ सैंतीस तो दिस इज इक्वल टू वन थर्टी सेवन प्लस एक्स तो एक्स बराबर कितना आएगा सात मेंटली निपटा देना है आप चलो वेरी गुड वेरी गुड चलते हैं नेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चन की ओर देखो ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया है पहला दिन है सो so, क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही रखा है धीरे 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 आपको पता है लेवल बढ़ता जाएगा बराबर हाँ चलो क्या बोला है एवरेज निकालो किसका फोर आर थर्टी मिनट्स एंड फोर्टी टू सेकेंड्स अब पहले देखो ऐसे क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देख लो डिमांड किस में है तो एवरेज की डिमांड सेकंड में निकालने की है तो सबसे पहला काम सबको सेकंड में कन्वर्ट करो तो आपको पता है एक घंटे में टोटल कितनी मिनट आती है साठ मिनट आती है और एक मिनट के अंदर ज्ञान बांट रहा हूँ जिनको नहीं पता है वो ज्ञान लेते जाए साठ सेकंड आती है इसका मतलब एक घंटे में टोटल सेकंड कितनी होगी तो साठ इंटू सात छत्तीस सौ सेकंड होगी होगी चलो बस अब आप ऐसे इसको निपटाओगे चलो तो चार घंटे की सेकंड कितनी होगी तो एक की छत्तीस सौ होगी तो चार घंटे की चौदह हजार चार सौ तीस मिनट की सेकंड कितनी होगी पूरे एक घंटे की छत्तीस तो तीस मिनट की कितनी होगी अठारह और तीसरी कितनी है बयालीस करो फटाफट टोटल फोर टू टू सिक्स वन सोलह दो सौ बयालीस अब अपने को चाहिए एवरेज तो डिवाइड बाय थ्री करो खत्म चलो निकालो कितना पांच इंटू तीन पंद्रह पांच इंटू दो ये आपका बनेगा पांच इंटू चार बराबर सॉरी तीन से डिवाइड करना है ना माफ करिएगा पांच बनेगा यहां बनेगा चार बनेगा यहाँ एक बनेगा और यहां बनेगा चार फाइव फोर वन फोर खत्म चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सारे लोग बिल्कुल अच्छे लेवल पे क्वेश्चन को समझ रहे चलते हैं नेक्स्ट में इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं बस थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें कैसे एवरेज निकालना है पूरे चैप्टर में ओके चलो वेरी गुड नेक्स्ट में उठाते एक नए क्वेश्चन की ओर आते हैं चलो अब धीरे धीरे देखना क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली ओके चलो आया सबसे पहला वेरी बेसिक क्वेश्चन निकालो सब लोग पहले दस प्राइम नंबर का एवरेज चलो फटाफट पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है सब आपको मैंने सिखाया है बेसिक चीजों में बाहर सारी चीजें मैंने सिखाई है देखो पहले दस प्राइम नंबर तो लिखने पड़ेंगे डायरेक्टली नहीं आएगा पहला दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस तेबीस देखते जाओ कितने हुए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और लास्ट में लेंगे उनतीस बराबर ये सब का टोटल करके डिवाइड बाय दस करना पड़ेगा सुन लेना अब फटाफट देखो टोटल कैसे करो टोटल मेंटली करो ये दोनों मिलके तीस हो जाएंगे आपको ऐसे निपटाना है ये 11 और उन्नीस मिलके ये भी आपका तीस हो जाएगा देखते जाना बराबर उसके बाद देखो सात और तेवीस ये दोनों मिलके भी आपके हो जाएंगे तीस बराबर ये आपका दस हो जाएगा ये हो गया सौ और ये बनेगा टोटल ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी नाइन को डिवाइड बाय दस करेंगे तो आंसर बनेगा ट्वेल्व पॉइंट नाइन तो दिया है नहीं दिया है तो एग्जैक्ट आंसर नन ऑफ दिस घबराना नहीं है मैंने आपको आगे भी बोला है कि बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन देखने के लिए नहीं है इट कैन बी योर आंसर डन है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि सर मेरा आंसर नहीं आया तो दो बार काफी चेक करने नहीं जाना है हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा होना चाहिए क्लियर चलो वेरी गुड वेरी गुड मुस्कान बहुत बढ़िया सेकेंड चीज है सुन लेना दो मिनट और मैं प्राइम नंबर के बारे में बोल देता हूँ ताकि जो नए बच्चे वो सुन ले हमारा सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो दो होता है और दो ही इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम है सुन लेना बराबर हाँ ओके <laughs> okay? चलो देखिएगा तो दो एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में जो अपने आप में इवन होने के बावजूद भी कैसा है प्राइम है बाकी सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट कैसे होंगे ऑड नंबर के फॉर्म में होंगे चीज से लेके सौ तक अगर हम नंबर लिखेंगे ना तो एक से सौ तक टोटल हमारे पास नंबर होते होते हैं हैं वो प्राइम होते। और एक से पचास में अगर आप देखोगे ना फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्टी एक से लेके पचास तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं ना उसमें टोटल कितने पता है पंद्रह प्राइम नंबर होते हैं ये ध्यान रखना है आपको बराबर हाँ तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है और सेकेंड चीज में आपको बता देता हूं इधर देखो तीन प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे होते हैं जो कंजीक्यूटिव होने के बाद तीन ही प्राइम नंबर कंजीक्यूटिव ऑर्ड प्राइम नंबर्स अगर आपको कोई बोलेंगे ना तो हमारे पास ऐसा एक ही पैर मिलेगा वो कौन मिलेगा पता है तीन पांच और सात ये तीन प्राइम ऐसे नंबर है जो कंजीक्यूटिव ऑर्ड नंबर के फॉर्म में आप देख लो तीन पांच और सात ऑड भी है कंजीक्यूटिव भी है और प्राइम भी है इकलौता एक ऐसा पेड़ आपको मिलता है ये खाली मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं क्योंकि तो कभी कभी इसके ऊपर से देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जैसे याद करो मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोजल पढ़ाया था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था वो कॉइन वाला कि कोई एक बैग के अंदर जो नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो थ्री कंजीक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर के रेशियो में है तो आपको वहां समझ जाना था कि यहां पर जो पॉइंट होंगे वो तीन पांच और सात के रेशियो में होंगे ऐसे डन तो ये चीज आप लोग खास ध्यान रखेगा प्राइम नंबर के बारे में बाकी तो चलेगा बाकी जो आपको आता उतना मोर देन सफिशियंट है चलो चलते हैं नेक्स्ट के अंदर अगेन नए क्वेश्चन की और चलो पढ़ो सब लोग फटाफट क्या बोला है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स चलो देखो 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 अब पहले तो आती है बात इंटीजर्स की चलो तो दो मिनट इंटीजर्स की कहानी सुना देता हूं इधर देखो तो हम देखो स्कूल के अंदर वो नंबर लाइन पढ़े बराबर जहां पर बीच में जीरो होता है यहाँ वन होता है यहाँ टू होता है जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते चार ये पांच और ये छे इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वन ये माइनस टू ये माइनस थ्री ये माइनस फोर तो अब आप बहुत अच्छे लेवल पे जानते हो कि ये जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यहां पर ये सारे लोग दिख रहे इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स इसी को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर सुन देना जीरो के राइट right साइड में यहां पर आपको जितने दिख रहे इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स मेरी बात आपको समझ में आ रही और पॉजिटिव इंटीजर्स का जो दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम ऐसा भी कहलाता है इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर सुन लेना नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर्स मेरी बात आपको समझ में आ गई तो यहां पर हमें बोला है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट फोर्टी पॉजिटिव इंटीजर्स तो पहले चालीस पॉजिटिव नंबर के सर सॉरी पहले चालीस पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज निकालने का मतलब आपको क्या करना है फर्स्ट फोर्टी नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ आपको वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अब कहां तक? तक जाना है। ये लोगों का एवरेज निकालना है अब आप ही सोचो कि ये सबका एवरेज निकालने जाएंगे तो सबसे पहले तो सबको प्लस करना पड़ेगा उसके डिवाइड में चालीस करना पड़ेगा तो ऐसा कहाँ हम प्लस करने जाएंगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे सुन लेना तो अब दो मिनट के लिए सारे बच्चे पेन रख दे और एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है वो समझ ले यहाँ पर सबको समझना है कितना भी आता हो समझ लेना चलो अब देखो सबसे पहला यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो ऐसा आता है कि एक एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पहले एन नेचुरल नंबर का देखो अगर आपको सम करना है तो एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऐसा है एन ब्रेकेट में एन प्लस वन डिवाइड बाई दो यानी आपको ऐसा बोले कि पहले दस नेचुरल नंबर का सम करो तो आप करने नहीं जाओगे आपको क्या करना है एन बराबर दस रख देना है तो देखो एन की जगह में यहाँ दस रखूंगा तो दस इंटू दस और एक ग्यारह ग्यारह के नीचे दो यानी कितना आएगा पचपन तो ये पचपन क्या आया दिस इज फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर आए तो पहले एन नेचुरल का अगर आपको सम करना है तो ये एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू अब आपको तो क्या करना था तो देखो हमें तो पहले चालीस नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो सबसे पहले पहले चालीस नंबर का सम करना पड़ेगा तो चलो सम करूंगा तो कितना आएगा चालीस इंटू चालीस प्लस एक इकतालीस डिवाइड बाई दो ये आपका आएगा सम लेकिन मुझे तो चाहिए एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए देखो ऊपर तो क्या आएगा सम आएगा सम का मतलब पर नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अपने कितने एन है तो इससे फायदा क्या हुआ देखो एन एन कैंसल हो गया तो मेरा जो एवरेज होगा वो कितना होगा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो अब आपको समझ में आ गया है कि यहां पर आपका सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कौन सा वाला ये एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पहले एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो आप क्या करो एन प्लस वन डिवाइड बाई टू कर दो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है सुन लेना डन तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि पहले चालीस पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज निकालो तो हमें क्या करना है पहले 40 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो आप क्या करो ये फॉर्मूले में एन की जगह चालीस रख दो तो चालीस और एक इकतालीस इकतालीस के नीचे दो का मतलब बनेगा बीस पॉइंट पांच खत्म कोई टोटल वगैरह के झंझट में आपको पढ़ना नहीं चलो ये मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आ गई है न? तो देखो आपको दो फॉर्मूले दोनों चीजें याद रखनी है पहला फॉर्मूला कौन सा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू से निकालेंगे और उसका एवरेज बोलेंगे तो सीधा आए जो सम आया उसको एन से डिवाइड कर दो तो एन एन कैंसल हो जाएगा तो बचेगा कितना एन प्लस वन डिवाइड बाई दो बचेगा चलो ये बात सब लोगों को अच्छे लेवल पे समझ में आ गई है आइए कि नहीं आइए बोलो फटाफट हाँ आ गई है चलो अब देखिएगा यहां से मैं आपको एक दो चीजें और अच्छी तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ कभी, कभी ऐसा बोले देखो पहले मैं लिखता हूं वन टू थ्री फोर फाइव ये मैं लिखता जा रहा हूं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजीक्यूटिव नंबर्स एक के बाद दूसरा नंबर है ना कंसेप्ट को समझना क्रमानुगत संख्या है हिंदी में बोलते हैं क्रमानुगत संख्या है। अब उसके बाद देखो मैं लिखता हूं वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो इसी को बोला जाता है कंजीक्यूटिव क्या बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज ए कंजीक्यूटिव ऑर्ड नंबर्स बोला जाएगा हा बोला जाएगा उसके बाद में लिखता हूं इधर देखो दो चार छ आठ दस ऐसा मैं लिखता हूं तो इसी को बोला जाता है कंजीक्यूटिव Even numbers. Done बराबर समझिएगा देखना और उसके बाद में लिखता हूं कुछ भी आगे मानो मैं ऐसा लिखता हूं सात चौदह इक्कीस अट्ठाईस आपको समझ में आ रहा तो ये ऐसे नंबर है नंबर्स बराबर सुनिएगा नंबर्स विच हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस अब ये सारे ऐसे नंबर्स लिखे जिसके अंदर देखो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है देखो सबका सेम है मेरी बात आपको समझ में आ रही है हाँ देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ भी सात का गैप यहाँ भी सात का गैप यहाँ भी सात का गैप और वैसे तो देखा जाए तो आप देखो ये जो चारों चार वेराइटी यहां पर दिख रही है ना इसी के अंदर आप देखोगे ना तो सबके अंदर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस है वो देखो सब में सेम है चाहे आप कंजीक्यूटिव नंबर को देखो कंजीक्यूटिव ऑड नंबर को देखो कंजीक्यूटिव इवन नंबर को देखो या लास्ट वाली सीरीज को देखो यहाँ पर एक एक का डिफरेंस है कॉमन इसमें सब में दो दो का डिफरेंस है इस सब में भी सब में दो दो का डिफरेंस है और नीचे वाले सब में सात सात का डिफरेंस है सो कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है पर हमें पता है स्कूल में पढ़ के आए हैं कि ऐसा प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस के जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी को हम क्या बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं याद करो स्कूल में सीखे होंगे एपी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एपी समांतर श्रेणी है आपकी डन चलो तो अब देखना यहां से मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझाता हूं देखिएगा कि कभी भी आपको एग्जाम के अंदर दिए गए नंबर किस में हो एपी में हो एपी में होने का मतलब क्या होना कि उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए चाहे एक एक हो चाहे दो दो हो चाहे सात सात हो तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी एपी का एवरेज आपको निकालना हो तो एपी का एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है आप क्या करो सीरीज का पहला टर्म ले लो उसमें सीरीज का लास्ट टर्म ऐड करो और जो भी आंसर आएगा उसको दो से डिवाइड कर दो खत्म आज के बाद आपको यही करना है सुन लेना अभी तक नो no डाउट हमने जितने भी फॉर्मूले लगाए जो भी वाट एवर आपने लगाया हो जाने दो बाढ़ में लेकिन अब से दिमाग में फिट कर दो कि आपको कोई एक सीक्वेंस दी जाए कोई एक सीरीज दी जाए जिसमें आपको पता चले कि हरेक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है यानी कि वो एपी है तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे तो उसका पहला टर्म ले लो उसका लास्ट टर्म ले लो दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय दो कर दो ऑलवेज आपका आंसर आएगा कुछ भी करना नहीं है सुन लेना आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो चलो लिखो पहले हा या ना यहां तक की बात समझ में कि नहीं लिखो फटाफट एग्जाम्पल में अभी देता हूं इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लो चलो बहुत बढ़िया यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है बराबर अच्छे लेवल पे अब देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं एक काम करो एग्जाम्पल देने से पहले अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो तो एक बार पढ़ो क्या बोला था पहले चालीस पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज निकालना है इसका मतलब पहले चालीस नंबर है तो एक, दो से लेके तक तक होगा 40 तक होगा चलो कौन सा है एपी है तो अभी मैंने आपको क्या बोला एपी में होता है डिफरेंस सेम होता है तो आप क्या करो पहले वाले को लास्ट वाले को प्लस करो एक और चालीस प्लस करो इकतालीस और इकतालीस को दो से डिवाइड कर दो देख लो साढ़े बीस आंसर मैंने पूरा सीक्रेट खोल दिया है सुन लेना अभी तक की कहानी का डन ये सीक्रेट है जब भी कंसेक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट आए चाहे उसके अंदर डिफरेंस सेम आता है ना तब आपको अलवेज क्या करना है पहला नंबर पकड़ो लास्ट वाला नंबर पकड़ो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय दो कर दो बात खत्म कुछ भी सोचना नहीं है बीच में जितने भी लोग हो बाढ़ में जाए पचास हो दो सो है, है पांच मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं नहीं चलो कोई आपको ऐसा बोले इधर देखना तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग सुनते जाना वेरी गुड अब कोई आपको ऐसा बोले मैं कि यहां पर लिखता हूं सीक्वेंस आठ सोलह चौबीस बत्तीस अप टू आपको लास्ट में दे दे नाइनटी सिक्स दे दे और बोले कि ये सीरीज में जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनका एवरेज निकालो निकालो चलो कितना ला रहे हो आंसर आठ सोलह चौबीस बत्तीस और लास्ट में डैस डेस्ट डेस् करके नाइनटी सिक्स दिया है। और आपको बोले कि इसका एवरेज निकालो से से? लाए? पॉइंट आएगा कहां से? मैंने क्या बोला देख लो पहले नंबर में आपको डिफरेंस सेम दिखता है देखो पहले ऑब्जर्व करो आप खाली यहां भी आठ का डिफरेंस यहां भी आठ का डिफरेंस यहां भी आठ सब में कॉमन डिफरेंस सेम है तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया पहला नंबर पकड़ो आठ लास्ट वाला नंबर पकड़ो 96 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय दो कर दो तो 104 डिवाइड बाय दो कितना बनेगा 52 मेरी एवरेज बन जाएगी। रचना ये सब कहां कर रहे हो आप अभी भी नहीं समझ रहे हो मेरी बात को इतने टू द पॉइंट एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं क्या बोला जब सीरीज के नंबर का डिफरेंस सेम होता है तब आप क्या करो पहले वाले को लास्ट वाले को दोनों को पकड़ के जोड़ के डिवाइड बाय दो कर दो खत्म कुछ भी सोचना नहीं है चलो बताइए इज इट क्लियर डन है चलो लिखो सारे बच्चे सर क्लियर है तो फिर अब अगले नेक्स्ट एक कंसेप्ट की ओर आगे बढ़े इसको एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू से नहीं नहीं एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू से बिल्कुल नहीं कर सकते सुन लेना क्यों क्योंकि एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू वाला फॉर्मूला किसके लिए पहले एन नेचुरल नंबर के लिए है डन और यहां आठ सोला चौबीस ये ये नेचुरल नंबर है लेकिन पहले एन नहीं है बीच बीच में है आठ सोलह चौबीस पहले एन कंजिक एन नेचुरल नंबर होता है ना उसी के लिए ये फॉर्मूला लगाना है मेरी बात आपको समझ में आ रही है हेलो इसलिए मैं क्लियर लिखवा रहा हूं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी ऐसे नेचुरल नंबर जिसकी शुरुआत एक से होती हो एक से लेके दस तक एक से लेके पचास तक ऐसे अब आठ सोलह ये नंबर तो नेचुरल है लेकिन पहले नहीं है ना चलो कार्तिक बात समझ में आ गई आपको बस ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो ना तो मुझे करा करो फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है हमें इन शॉर्ट मैंने मना कर दिया आपको याद रखो इसलिए क्योंकि कभी कभी मानो सम करने की जरूरत पड़े तो निकालेंगे बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है चलो बढ़ू आगे नेक्स्ट में उठा लेते हैं एक दूसरा कंसेप्ट चलो वेरी गुड वेरी गुड चलो आइए दूसरे क्वेश्चन पर देखिएगा सब लोग क्या बोला है अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदला द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम ट्वेंटी वन टू थर्टी वन बराबर समझना होगा 21 से लेके 31 तक के जितने भी नेचुरल नंबर से उसके स्क्वायर का एवरेज निकालना है. यानी क्या करना है पता है पहले इक्कीस का स्क्वायर करेंगे फिर बाईस का स्क्वायर करेंगे फिर तेवीस का स्क्वायर करेंगे ऐसे अब कहां तक 31 का स्क्वायर करेंगे और ये सब का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय जितने भी नंबर है उतने से डिवाइड करेंगे ये आपको करना है, ये आपका आया सम अब हम कहा ऐसा करने जाएंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो अब देखो यहां पर आपका एक नया कंसेप्ट आता है सुन लेना तो कंसेप्ट का नाम ऐसा है द सम ऑफ सम ऑफ ऑफ बराबर सुनिएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स चलो देखना पहले एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है एन बाई सिक्स दूसरे ब्रैकेट में एन प्लस वन और तीसरे ब्रैकेट में बनेगा टू एन प्लस वन लगभग ये सारे बच्चे को पता होना चाहिए सुन लेना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सुन लेना कंपलसरी अदरवाइज आप कभी ऐसे क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे मैन्युअली थोड़ी करने जाऊंगा एक एक का square, ऐसा बोले एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर अप टू कहाँ तक आपको ऐसा दे, दे कि पहले एन नंबर के स्क्वायर का सम तो आप डायरेक्टली निकालोगे एन प्लस सिक्स ब्रेकेट में एन प्लस वन और ये बनेगा टू एन प्लस वन ऐसे ओके okay? चलो अब देखना बराबर समझो अब दिक्कत कहां है हमारे साथ ये तो आया सम अब आपको बोले एवरेज निकालो तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा ये जो भी सम आया उसको एन से डिवाइड करूंगा तो एन कैंसिल हो जाएगा तो मेरा एवरेज बनेगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई में बनेगा छ देखते जाना बराबर ये हो गया एवरेज निकालने का फॉर्मूला किसका एवरेज पता चला स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का अगर एवरेज निकालना हो तो आपको ये रट लेना है क्लियर है चलो अब देखिएगा और एवरेज का फॉर्मूला आप रटो मत अगर सम का फॉर्मूला रट लेते हो तो एवरेज का रटने नहीं जाना है जो सम आएगा उसको एन से डिवाइड कर देना बराबर तो एवरेज का फॉर्मूला तो कभी रटना है ही नहीं आपको जो रटना है वो सम का फॉर्मूला रटना है चलो अब दिक्कत वाली बात यह है कि हमें देखो पहले एन स्क्वायर का सम नहीं दिया है अगर एक से लेके इकतीस तक दिया होता ना तो मैं क्या करता इसमें एन की वैल्यू इकतीस रख देता लेकिन हमें तो दिया है इक्कीस से लेके इकतीस तक तो डायरेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक से लेके इकतीस का सम निकालो और उसमें से एक से लेके बीस तक के सम को माइनस करो बराबर समझना है पेन रख दो जल्दबाजी मत करो इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया है मुझे इक्कीस से लेके 31 तक बीच वाले लोग चाहिए और मेरा फॉर्मूला किसके लिए बीच वाले लोगों के लिए नहीं है ये फॉर्मूला तो उसके लिए जिसकी शुरुआत एक से होती हो लेकिन हमारी शुरुआत तो 21 से हो रही है तो 21 से लेके 31 का ढूंढना हो तो आप सबसे पहले क्या करो पता है एक से लेके 31 तक के नंबर का स्क्वायर का सम करो और उसमें से एक से लेके 20 तक को माइनस कर दो टोटल 31 ढूंढो और उसमें से एक से लेके 20 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो कौन होगा 21 से लेके 31 का सम होगा कि नहीं होगा हाँ होगा तो अब देखो पहले मैं सम निकालता हूं इधर देखो ये लोगों का सम निकालो चलो अब एक से लेके इकतीस का सम निकालना है तो आप क्या करो ये वाला फॉर्मूला लगा n की वैल्यू क्या करो एन की वैल्यू डायरेक्ट इकतीस रख दो देखो इकतीस के नीचे छ इन टू इकतीस और कितना बत्तीस इंटू इकतीस इंटू दो सिक्सटी फोर और कितना बनेगा सॉरी इकतीस सिक्सटी थ्री बनेगा माइनस अब एक से लेके बीस तक निकालना है तो इसमें एन की वैल्यू बीस रख दू तो बीस डिवाइड बाई छ बीस और एक इक्कीस बीस और दो चालीस और ये कितना बनेगा 41. चलो ये आपका आएगा सम. सम आएगा सम सम किसका से लेके इकतीस का सम आएगा देखते जाना बराबर फटाफट काटता इक्कीस तो दो से काटेंगे तो ये बनेगा सोलह बराबर चलो इधर से आई थिंक तीन, तीन से काट देता हूं तो मेरे हिसाब से कितना बनेगा सात ये बनेगा दो से काट लेंगे तो दस यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है अब एक काम करते देखो ये इकतालीस और सात ये आपको पता चलेगा सात सौ 28, बनेगा, बनेगा अब माइनस करो देखो सोलह इंटू इक्कीस तो इंटू बीस और तीन सौ बीस में सोलह ऐड करो तीन सौ छत्तीस अब तीन सौ छत्तीस को इकतीस से मल्टीप्लाई करना है तो इकतीस इंटू छियासी का छह अठारह इकतीस इंटू तीन कितना तिरानवे और तिरानवे के अंदर आप क्या करो अठारह को ऐड कर दो तो तिरानवे में अठारह ऐड करोगे एक सौ बारह का दो केरी बनेगा बारह और तिरानवे तिरानवे में आई थिंक आपको इकतीस तो बनेगा कितना? कितना बनेगा? इंटू तीन कितना तिरानवे तिरानवे में ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा एक और ये एक सौ ग्यारह यहाँ बनेगा एक केरी नया बनेगा वो ग्यारह बनेगा और तिरानवे में ग्यारह को मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा कितना सौ चार तो ये बन जाएगा वन जीरो फोर टू सिक्स इज इट क्लियर चलो सॉरी फोर वन सिक्स ना माफ करिएगा देखो कैलकुलेशन में फसा दिया है क्वेश्चन में स्लाइड कैलकुलेशन है लेकिन करनी पड़ेगी ऑप्शन नहीं है आपके पास चलो क्या बोल रहे हो इकतीस प्लस एक थोड़ी करेंगे कौन सा इकतीस प्लस एक करोगे आप कर दिया ना वो तो मैंने एन का मतलब इकतीस ये इकतीस और एक बत्तीस लिखा ना ये बत्तीस ये इकतीस इंटू दो सिक्सटी टू और एक ये लिखा सिक्सटी थ्री ऐसे चलो देखो अब इधर क्या करेंगे तो ये टोटल अपना बना कितना दस चार सौ सोलह था चलो माइनस कर दू फटाफट कितना आएगा जीरो सॉरी छ बनेगा अब ये एक में से ये कटेगा तो ये आपका बनेगा चार ये बनेगा पांच और ये बनेगा सात तो ये आपका आया सम अब मुझे चाहिए एवरेज चलो तो एवरेज कैसे निकालेंगे पचहत्तर छियालीस आएगा अब डिवाइड में कितने नंबर का हमने प्लस किया है बराबर समझिएगा तो हमने प्लस किया है ग्यारह नंबर का तो डिवाइड बाई ग्यारह तो ग्यारह इंटू छ छियासठ बचेगा नौ और चार बराबर तो ग्यारह इंटू आठ अठासी बचेगा छ और 6। तो ग्यारह इंटू छियासठ So, मेरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बनेगा दैट वुड बी अ ऑप्शन बी खत्म देख लेना इतना आसान क्वेश्चन नहीं है वैसे बहुत आसान है लेकिन लिटिल बिट कैलकुलेटिव है चलो अब पूछो आपको क्या पूछना है कार्तिक बोल रहे सर इसमें सीधा एवरेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया सम वाला क्यों अच्छा अब सीधा एवरेज वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप वो भी तो सोचो क्योंकि हमारे पास एक से लेके इकतीस नहीं है समझ में आ रही मेरी बात हाँ तो इसलिए पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा इक्कीस से लेके इकतीस तक का सम निकालना पड़ेगा अदरवाइज होगा क्या आप एवरेज वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने जाओगे तो देखो आपने क्या किया होगा इकतीस का एवरेज ढूंढा होगा फिर आप बीस का एवरेज ढूंढोगे तो इकतीस के एवरेज में से बीस के एवरेज को माइनस करने पर ऐसा नहीं होता है कि जो वो मिलेगी वो एक से लेके ग्यारह की एवरेज होगी वो इक्कीस से लेके इकतीस की एवरेज होगी ऐसा कभी नहीं होता समझ में आ रही मेरी बात तो आपको पहले कंपल्सरी सम निकालना पड़ेगा डायरेक्टली एवरेज का फॉर्मूला मत लगाना एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला आप कब लगाओगे अगर अपने क्वेश्चन में एक से लेके इकतीस तक के नंबर के स्क्वायर का एवरेज पूछा होता ना तो आप डायरेक्टली लगाते लेकिन रेंज बीच में से पूछा है तो सबसे पहले तो आप क्या करो जब भी बीच में से आपको पूछ लेना तब आप क्या करो एक से लेके जहां तक जाना है उसका टोटल निकालो और उसमें से जो आपको बीच में से नहीं चाहिए उसके टोटल को माइनस करो तो आपको एक्चुअल सम मिलेगा किसका 21 से लेके 31 तक के जो नंबर से उसके स्क्वायर का सम मिलेगा ओके okay, डन चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये बात आपको समझ में आ गई है डन क्लियर है चलो वेरी गुड वेरी गुड चलो तो अब क्या करते हैं आज के लिए मुझे लग रहा है आप लोग थक गए ना <laughs> तो अब क्या करते हैं काम करते हैं बचे हुए पार्ट को कल कंटिन्यू करते अभी देखो इसके अंदर क्यूब वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी एक एक चीजों को अच्छे लेवल पे हम क्लियर करते जाएंगे आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना ओके चलो तो अब देखो पहले मैं आज क्या करता हूँ पहले तो आज का अपना इवनिंग का कौन सा शेड्यूल है उसको एक बार मैं थोड़ा कंफर्म करवा लेता हूँ इधर देखो इवनिंग का शेड्यूल बता देता हूँ आज देखिएगा सब लोग पहली तो चीज अपना इवनिंग में देखो सात बजे वाला जो एपिसोड चल रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन का महासंग्राम बराबर वो एज रेगुलर चलेगा जहां पर अपनी बात चल रही है मिसिंग डीआई के ऊपर बराबर हाँ वो एज रेगुलर चलेगा जहां पर हम लोग मेन्स लेवल के सेट को सॉल्व करेंगे लेवल के सेट होंगे डन उसके उसके बाद उसके बाद बात करते नेक्स्ट में आएंगे नौ बजे तो नौ बजे के सेशन के अंदर हमारा स्पेशल एपिसोड है आज बैंक एग्जाम्स की तैयारी कैसे करे दने? आस्क मी एनीथिंग मुझे आप कुछ भी पूछिए जो आपके दिमाग में आएगा लेकिन अभी नहीं इवनिंग के नौ बजे के सेशन में तो यहाँ पर एक काफी अच्छा हम लोग हेल्थी डिस्कशन करेंगे तो इवनिंग में सात बजे और नौ बजे आना बिल्कुल मत जुड़िएगा और ये दोनों स्पेशल शो हो होंगे वो कहाँ चलेंगे अनएकेडमी की एप्लीकेशन पे चलेगा बराबर हाँ और टाइम तो टाइम मैंने बता दिया है लेकिन देखो ये स्पेशल लाइव क्लास है तो ये स्पेशल लाइव क्लास है यानी हर बच्चा अटेंड कर सकता है लेकिन अगर वो क्लास के अंदर आपको बोले कि अनलॉक अनलॉक कोड यूज करो तो आपको क्या करना है ये मेरा कोड है मैं बोलता हूं एच के एस टेन एच के एस टेन ये कोड आपको लगा के वो क्लास को अनलॉक कर देनी है अगर वहां पर कोड पूछे तो डन ताकि वो क्लास आप फ्री में डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो अब कोई बच्चा चाहता है कि सर अनएकेडमी के ऊपर देखो क्या होता है तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बता देता हूं जिनके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है वो लोग क्या करिएगा देखो जैसे मानो आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हो चलो एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आप क्या करो प्ले स्टोर पे जाइए और अगर आप लोग एप्पल का फोन यूज करते हो तो आईओ स्टोर पे जाइए बराबर तो आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है अनएकेडमी अनएकेडमी लिखोगे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे पर इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो ये आप ली एप्लीकेशन का पहला फ्रंट पेज होगा जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉग इन होना है और एक बार आप लॉग हो जाओगे उसके बाद आपको सबसे पहले देखो कैटेगरी चूज करनी है तो कैटेगरी के अंदर बैंक एग्जाम्स को चूज करना है ओके चलो प्रत्युष बोल रहे सर नेक्स्ट क्लास तो नेक्स्ट क्लास आपको पता है रेगुलर सेम टाइम कल दोबारा वापिस यही टाइम पर एक बजे रेगुलर सेशन होगा ओके और इवनिंग में चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा चलो बैंक एग्जाम्स को चूज करना है और यहाँ पर जाके आपको देखो फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है तो आप लोग वहां पर ये मेरे सेशन को अटेंड कर सकते डन उसके अलावा देखो कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है अभी मैंने आपको बोला था रिसेंटली अन के ऊपर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू बहुत सारे बैच को लॉन्च किए गए तो वो सारे बैच प्लस प्लेटफॉर्म पे चलेंगे और ये क्लास बिल्कुल भी फ्री नहीं होती है तो उसके लिए आपको देखो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो इसपे आप क्लिक करोगे और जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास देखो बहुत सारे प्लान है जिसमें एक महीने का प्लान है तीन महीने का प्लान छः महीने का बारह महीने का और चौबीस महीने का प्लान है और इसमें से आप कोई भी प्लान के लिए जाते हो तो खास ध्यान रखिएगा ये मेरा रेफरल कोड है एच के एस टेन ये कोड लगाते हो तो और आपको यहाँ पर दस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दस परसेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा बराबर तो ये कोड लगाना मत भूलिएगा और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन है इसके थ्रू आप पेमेंट करके आगे बढ़िए बराबर बाकी आपको मैथ्स सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी आप बिल्कुल टेंशन मत लो निश्चिंत रहो बस आपको एक गारंटी देनी है कि आप एक भी क्लास को छोड़ोगे नहीं चाहे मैं प्लस पे पढ़ा रहा हूँ चाहे मेरी फ्री लाइव क्लासेस से चलती हो चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आगे जाके कब एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं है बराबर तो थोड़ा सा अपने लिए भी इन्वेस्ट करो और ज्यादा कोई इतना बड़ा अमाउंट है नहीं बराबर और आपको पता है कि प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद आप कोई भी एज और ऐसा नहीं है कि खाली मैथ्स पढ़ने को मिलेगा बैंक एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं हर एक सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आपको पढ़ना बराबर दिस इज द रीजन यही सबसे बड़ा रीजन है कि आज अनएकेडमी है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है लोगों के बीच ओके चलो तो बाकी आज के लिए इतना रखेंगे ये मेरा रेफरल कोड बिल्कुल लगाना मत भूलिएगा और अगर कोई बच्चे ने अनएकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो एक बार उसको जरूर ज्वाइन करिएगा है ना जी हाँ जी बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच और एक बार ये यूट्यूब चैनल को प्लीज क्या करिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन पे हिट प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे ओके okay? चलो थैंक यू सो मच मिलते हैं इवनिंग में दोबारा बाय बाय